हाय गाइस, माय नेम इज नितेश एंड यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम लोग अपना एनएलपी सीरीज कंटिन्यू करने वाले हैं इस वीडियो में। टुडे इज गोइंग टू बी लेक्चर 4 और आज का टॉपिक है टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन। सो अभी तक हमने 3 टॉपिक्स कवर किए हैं। सबसे पहले हमने एनएलपी के फंडामेंटल्स देखे, उसके बाद हमने एनएलपी में क्या पाइपलाइन यूज होता है वो सीखा, और फिर उस पाइपलाइन में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप सीखा जो था टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग। अब हम सीखने वाले हैं कि टेक्स्ट को नंबर्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है सो दैट उस नंबर को आप मॉडलिंग स्टेज में भेज पाओ। सो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग कुछ बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक सीखेंगे। सो अगर आपने नाम सुना है बैग ऑफ वर्ड्स का या TF-IDF का, तो ये सारी टेक्निक्स इस वीडियो में कवर होने वाली है। वी विल ऑल्सो कवर टेक्निक्स लाइक वन हॉट एनकोडिंग, एनग्राम्स, बाईग्राम्स एक्सेट्रा। सो वीडियो बहुत डिटेल में मैंने बनाया है विद ऑल द कोड्स, इम्प्लीमेंटेशंस, क्यों यूज़ करना चाहिए, ये सब कुछ मैंने सिखाया है इसमें। सो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, वीडियो एंड तक देखना क्योंकि एंड में मैंने आपके साथ एक असाइनमेंट भी शेयर किया है जो करने के बाद मुझे लगता है कि आपको ये पूरा के पूरे कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो अब और डिले नहीं करते, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, अब हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। सिंस वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है और बहुत कंसेप्चुअल है, तो पहले मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में क्या क्या हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन कि फीचर एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है टेक्स्ट से, क्यों करने की जरूरत है, क्या चैलेंजेस होते हैं, ये पूरा इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो दो सबसे बढ़िया यूज होने वाले टेक्निक्स हैं जिनका नाम है बैग ऑफ वर्ड्स एंड TF-IDF, हम ये दोनों टेक्निक्स को बहुत डिटेल में समझने का ट्राई करेंगे, कोड्स वगैरह लिखेंगे और फिर दोनों में क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद जब ये पूरी चीज हो जाएगी तो लास्ट में इस वीडियो के मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा जो अगेन रिलेटेड होगा जो भी हमने इस वीडियो में पढ़ा है उस चीज से, सो दैट जब आप ये असाइनमेंट अटेम्प्ट करो तो इस वीडियो के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके रिवाइज हो जाए। ठीक है, सो द आइडिया इज वेरी सिंपल, हमें पढ़ना है टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन या फिर फीचर एक्सट्रैक्शन फ्रॉम टेक्स्ट। और अभी हम लोग जो टेक्निक्स पढ़ेंगे वो मोस्टली ऐसी होंगी जहां पर आप अपने टेक्स्ट को वेक्टर्स में कन्वर्ट करोगे। उसमें दो जो सबसे फेमस टेक्निक्स हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे, बैग ऑफ वर्ड्स, TF-IDF, एक दो और टेक्निक्स भी कवर करेंगे लाइक वन हॉट एनकोडिंग और एक एनग्राम्स बोल के एक टेक्निक होता है, हमने वो भी कवर करना है। और साथ ही साथ हर चीज क्यों कर रहे हैं ये भी समझने का ट्राई करेंगे और लास्ट में आपको एक असाइनमेंट मिलेगा। दैट्स द प्लान ऑफ अटैक। Now let's start the video. Let's start with the introductory part. So guys, let's start with the introductory parts. पूरा का पूरा जो इस वीडियो का इंट्रोडक्शन है उसका गोल है कि आपको आगे के वीडियो में, मतलब इस वीडियो में आगे कभी भी कोई परेशानी ना हो समझने में। ठीक है, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हैं, मैं उन क्वेश्चंस का आंसर करूंगा और उन क्वेश्चंस का आंसर करने से ऑटोमेटिकली आपको सारा इंट्रोडक्शन समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ सकता है, इस वीडियो का टॉपिक ही है टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन, टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन बोल लो आप, या फिर आप इसको बोल सकते हो फीचर एक्सट्रैक्शन फ्रॉम टेक्स्ट। तो आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन आ सकता है कि होता क्या है ये, होता क्या है। ठीक है, तो बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर बोला जाए, जैसे मैं जब फर्स्ट टाइम पढ़ रहा था तो मुझे ये समझ में आया कि आपके पास एक टेक्स्चुअल डेटा है और आपको वो डेटा को किसी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में फीड कराना है बिकॉज आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, लेट्स से आप सेंटिमेंट एनालिसिस कर रहे हो, तो आपको टेक्स्ट को देख करके उसका सेंटिमेंट समझना है। नाउ द प्रॉब्लम इज कि आपके मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को इंग्लिश समझ में नहीं आता, फॉर दैट मैटर उनको कोई भी लैंग्वेज समझ में नहीं आता, वो सिर्फ नंबर समझ सकते हैं, वो सिर्फ मैथ समझ सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है जहां पर आप टेक्स्ट को नंबर्स में कन्वर्ट कर रहे हो, इसी को बोला जाता है फीचर एक्सट्रैक्शन फ्रॉम टेक्स्ट। ठीक है, कुछ जगहों पे आप पढ़ोगे तो इसी को बोला जाएगा टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, और कुछ जगहों पे इसी को बोला जाएगा टेक्स्ट वेक्टराइजेशन, क्योंकि होता क्या है कि जब आप टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट करते हो तो वो एक्चुअली एक वेक्टर के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड्स आप सुन सकते हो, हालांकि ज्यादा जनरल टर्म होगा फीचर एक्सट्रैक्शन फ्रॉम टेक्स्ट। ठीक है, ये हो गया इंट्रोडक्शन। नाउ द क्वेश्चन इज कि इसकी जरूरत क्यों है, हमें क्यों जरूरत है इस चीज की। अब ऑनेस्टली देखो, मशीन लर्निंग में आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट NLP,
आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करो किसी भी और टाइप के डेटा के ऊपर, तो वहां पर यू वुड सी कि आपको फीचर क्रिएट करने पड़ते हैं। बेसिकली आपको कुछ इनपुट फीचर्स देने होते हैं जिसके बेसिस पे आउटपुट कैलकुलेट होता है। इनफैक्ट एक बहुत फेमस कहावत है मशीन लर्निंग में, गार्बेज इन गार्बेज आउट। मतलब अगर आप खराब फीचर्स इनपुट दोगे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को, तो आपको आउटपुट भी खराब मिलेगा। इनफैक्ट ये बोला जाता है कि एक बहुत ही घटिया एल्गोरिदम को अगर आप बहुत अच्छे फीचर्स दो, और सेकेंड केस में आप एक बहुत बढ़िया एल्गोरिदम को फालतू फीचर्स दो, तो ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस होगा खराब वाले एल्गोरिदम का जिसको ज्यादा अच्छे फीचर्स मिले। तो मशीन लर्निंग में फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेम यहां पर भी है, जब आप एनएलपी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो यूजिंग मशीन लर्निंग, यहां पर भी आपको अच्छे फीचर्स देने होंगे। ठीक है, मतलब मैं एग्जांपल दे सकता हूँ आपको। लेट्स से आप सेंटिमेंट एनालिसिस कर रहे हो, मैंने पहले भी बताया वन ऑफ द फीचर्स कुड बी कि आपके टेक्स्ट में नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं। एक और फीचर हो सकता है कि नंबर ऑफ नेगेटिव वर्ड्स कितने हैं। एक और फीचर हो सकता है नंबर ऑफ पॉजिटिव वर्ड्स कितने हैं। एक और फीचर हो सकता है आपके डॉक्यूमेंट का, आपके टेक्स्ट का एवरेज वर्ड साइज क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे फीचर्स आप खुद से भी बना सकते हो। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स मैटर करते हैं एंड में, जब आप अपना एल्गोरिदम को डेटा दे रहे होते हो। ठीक है, अब अगर आप एनएलपी पाइपलाइन की बात करो, जो हमने कुछ वीडियोस पहले पढ़ा था, तो वहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आपको याद होगा, स्टेप वन होता था डेटा का एक्विजिशन, डेटा को लेके आना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग के बाद जो अगला स्टेप है, वही हम लोग आज के वीडियो में कवर कर रहे हैं, जिसको बोला जाता है टेक्स्ट वेक्टराइजेशन या फिर रिप्रेजेंटेशन या फिर फीचर एक्सट्रैक्शन, कुछ भी बोल लो आप। और यहां से जब आपको नंबर्स मिल जाते हैं, तो अब आप अप्लाई करते हो एल्गोरिदम, और इसको बोला जाता है मॉडलिंग स्टेज। ठीक है, तो ये पूरे पाइपलाइन में इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन माई ओपिनियन। अगर आप मशीन लर्निंग वाला एनएलपी कर रहे हो, डीप लर्निंग वाला एनएलपी थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, बट मशीन लर्निंग वाले एनएलपी में इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, बिकॉज अगर आपके फीचर्स अच्छे नहीं है, तो आपका आउटपुट भी अच्छा नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा है कि इसकी जरूरत क्यों है। अब अगला क्वेश्चन, अगर आप किसी भी एक्सपीरियंस बंदे से पूछोगे कि मेरे पास एक टेक्सचुअल डेटा है, उसको नंबर्स में कन्वर्ट करना है, तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत डिफिकल्ट काम होता है। टेक्स्ट को नंबर्स में रिप्रेजेंट करना बहुत भारी काम है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। सोच के देखो, लेट्स से आपको एक मशीन लर्निंग प्रॉब्लम के ऊपर काम करना है, जहां पे आपको फोटो में लिखे हुए डिजिट को देख करके प्रिडिक्ट करवाना है कि कौन सा डिजिट है। जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे आप देखो, सिक्स फोटोज आर देयर, और आपके मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को प्रिडिक्ट करना है कि कौन सा डिजिट है उस फोटो में। जैसे पहले वाले में 5 है, दूसरे वाले में 0 है, थर्ड वाले में 4 है। मान लो ये मशीन लर्निंग प्रॉब्लम है आपकी, तो आपको इनपुट में एक इमेज मिल रहा है और आउटपुट में आपको बताना है कौन सा डिजिट है। अब इसमें भी आपको, सिंस मशीन लर्निंग यूज करना है, तो आपको अपने इनपुट इमेज को किसी तरीके से नंबर्स में कन्वर्ट करना होगा। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि किसी इमेज को आप नंबर में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो आप शायद बहुत इजीली बता दोगे कि देखो, कोई भी डिजिटल इमेज पिक्सल से बना होता है, और हर पिक्सल इज बेसिकली अ नंबर। अगर आप यहां पर देखो, ये जो इमेज है 5 का, ये जो 5 का इमेज है, ये एक्चुअली अगर आप इसको मैग्नीफाई करके देखो, तो ये पिक्सल से बना हुआ है। ठीक है, ये देखो, ये सारे पिक्सल्स हैं, और फिर ये कुछ पिक्सल्स हैं जिनका वैल्यू अलग है, जिसकी वजह से हमें ये इमेज दिखाई दे रहा है। तो मैं बस इफेक्टिवली क्या करूंगा कि इस पूरे इमेज को इस पूरे के पूरे टेबुलर डेटा से रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, तो इमेज को नंबर्स में कन्वर्ट करना इजी है, बिकॉज वो पहले से ही नंबर्स के फॉर्म में ही मशीन को मिल रहा है। ठीक है, अगर आप एक और एग्जांपल लो स्पीच डेटा का, मान लो आप एक मशीन लर्निंग प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहे हो, जहां पे आपको आवाज सुन के बताना है कि इमोशन क्या है, गुस्से में बोल रहा है, प्यार से बोल रहा है, नफरत से बोल रहा है, ये आपका मशीन लर्निंग प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे आपको इनपुट में मिल रहा है एक ऑडियो क्लिप, और आपको आउटपुट में बताना है इमोशन। ठीक है, अब ये काम भी क्यों इजी है, क्योंकि अगर आप स्पीच को देखो, तो स्पीच इज बेसिकली दिस वेव फॉर्म, और इसका एम्पलीट्यूड आप हर पीरियोडिक इंटरवल पे निकाल सकते हो, और वो बेसिकली एक सीरीज ऑफ नंबर होगा लाइक दिस। इसको आप एक एरे में स्टोर कर सकते हो, और यही आपका इनपुट हो जाएगा। तो स्पीच को भी हैंडल करना इजी है,
बट लेट्स से अब मैं आपको बोलूं कि मेरे पास एक सेंटेंस है, हेलो हाउ आर यू क्वेश्चन मार्क, और आपको इनपुट से ये बताना है कि ये जो सेंटेंस बोला जा रहा है इसका सेंटिमेंट क्या है, पॉजिटिव सेंटिमेंट है या नेगेटिव सेंटिमेंट है। अब सोचो कि इसको नंबर्स में आप कैसे कन्वर्ट करोगे। इमेज के केस में इट वॉज स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्पीच के केस में भी इट वॉज स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट वॉट अबाउट टेक्सचुअल डेटा? टेक्सचुअल डेटा में आप रियलाइज करोगे, थोड़ा दिमाग लगाओ वीडियो पॉज करके, कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। इतना डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं बन सकता, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा एज अ एनएलपी इंजीनियर। तो दैट इज वाई मैंने ये बोला कि आप जब भी टेक्स्ट से फीचर्स क्रिएट करते हो वो प्रोसेस थोड़ा डिफिकल्ट होता है, और इस वीडियो में हम वही सीखने वाले हैं कि वो क्या क्या तरीके हैं जिससे हम टेक्स्ट को इफेक्टिवली नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन। कि मुझे ये तो समझ में आ गया मुझे करना क्या है, मुझे टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट करना है, बट किस तरीके से? कोई एक कोर आइडिया होगा ना, कोई रूल होगा ना जिसके बेसिस पे मैं वो कन्वर्जन करूंगा। क्या है आपका नॉर्थ स्टार? आपका नॉर्थ स्टार या आपका गोल ये होना चाहिए कि जब भी आप टेक्स्ट से नंबर में कन्वर्जन कर रहे हो, वो कन्वर्जन या फिर वो सेट ऑफ नंबर्स उस टेक्स्ट का सिमेंटिक मीनिंग बताने चाहिए। सिमेंटिक मीनिंग का मतलब उसके अंदर हिडन जो मीनिंग है वो कन्वे होना चाहिए उन नंबर्स के थ्रू। अगर वो सिमेंटिक मीनिंग कन्वे नहीं हो पा रहा तो आपका टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन या जो आपने नंबर्स क्रिएट किए हैं वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। सो बेसिक आइडिया इज कि आप कितने अच्छे तरीके से एक टेक्स्ट का मीनिंग को नंबर के फॉर्म में ला पा रहे हो, वही आपका सक्सेस डिसाइड करेगा। और इस वीडियो में और अगले वीडियो में हम वो सारे टेक्निक्स डिस्कस करेंगे जिसको यूज करके हम एक टेक्स्ट के मीनिंग को नंबर में कन्वर्ट कर पाएंगे। दैट इज द कोर आइडिया। ठीक है, अब अगर आप मेरे से पूछो कि भाई बताओ क्या क्या टेक्निक्स होती हैं जो ऑलरेडी बहुत फेमस हैं, तो मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताता हूँ। जो सबसे फेमस टेक्निक्स की अगर आप बात करो तो वी विल स्टार्ट विद द मोस्ट बेसिक टेक्निक जिसको बोला जाता है वन हॉट एनकोडिंग। शायद आपने पहले नाम भी सुना होगा, क्या होता है कैसे होता है थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे। उसके बाद हम एक और बहुत फेमस टेक्निक पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं बैग ऑफ वर्ड्स। ठीक है, ये भी बहुत फेमस है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एनग्राम्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे TF IDF, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कस्टम फीचर्स। सो कभी कभी क्या होगा कि आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे, आपके डोमेन नॉलेज के बेसिस पे आप खुद के फीचर्स बना सकते हो। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दिया कि आपने खुद का फीचर बना लिया कि टेक्स्ट में कितने वर्ड्स हैं, ये खुद का बनाया हुआ फीचर है। टेक्स्ट में कितनी बार हेलो आ रहा है, ये खुद का बनाया हुआ फीचर है। टेक्स्ट का हर वर्ड का एवरेज साइज क्या है, ये खुद का फीचर है। कितने वॉवल्स यूज हुए हैं, ये खुद का फीचर है। कितने कॉन्सनेंट्स यूज हुए हैं, ये खुद का फीचर है। तो कभी कभी क्या होगा कि आप खुद के भी फीचर्स बनाओगे बिकॉज आपको डोमेन नॉलेज है अपने प्रॉब्लम का। ठीक है, और इतना करने के बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मूव कर जाएंगे कुछ डीप लर्निंग बेस्ड अप्रोचेस के ऊपर, जिसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है वर्ड टू वेक, या फिर ज्यादा जनरल टर्म होता है इसका एम्बेडिंग्स। ये बहुत ही सही तरीके से वर्ड का या सेंटेंस का मीनिंग रिप्रेजेंट कर पाती है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के वीडियो का टारगेट है इतना कुछ, दिस मच, इतना हम लोग आज के वीडियो में पढ़ेंगे। और फिर डीप लर्निंग वाली टेक्निक्स, जिस जहां पे हम डीप लर्निंग को यूज करके टेक्स्ट के मीनिंग को वर्ड्स में नंबर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जब हम वर्ड टू वेक पढ़ेंगे। ठीक है, सो ये पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन हो गया इस वीडियो के लिए। आई होप मैं आपको समझा पाया। अब हम लोग तुरंत स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट टेक्निक, दैट इज वन हॉट एनकोडिंग। सो गाइज हम लोग वन हॉट एनकोडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, बट उसके पहले आई वॉन्ट कि मैं आपको चार टर्म्स के बारे में थोड़ा बता दूं। ये चार टर्म्स इस पूरे वीडियो में और इस पूरे सीरीज में आगे आपको बहुत बार मिलने वाले हैं, तो आप परेशान ना हो, इसलिए मैं आपको पहले एक बार क्लैरिफाई कर दे रहा हूँ कि ये चार वर्ड्स का क्या मीनिंग है। शायद आपने पहले भी सुना होगा, कॉर्पस, वोकैबुलरी, डॉक्यूमेंट एंड वर्ड। ठीक है, अब इनका मीनिंग मैं आपको एक रियल डेटा सेट को यूज करके समझाऊंगा।
सो ये वही डेटा सेट है जो मैंने लास्ट वीडियो में यूज किया था, IMDb 50,000 मूवीज का जो रिव्यूज था वो डेटा सेट यूज कर रहे हैं यहाँ पर। 50 के नहीं, एक्चुअली 49,000 सम 49,500 रिव्यूज हैं। और ये डेटा सेट बहुत सिंपल है, एक कॉलम में आपका रिव्यू है और एक कॉलम में उसका सेंटिमेंट है कि वो सेंटिमेंट वो रिव्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन, व्हाट इज कॉर्पस? इसको आप कभी कभी, इनफैक्ट हमेशा ही शायद सी से रिप्रेजेंट करते हो। कॉर्पस का मीनिंग क्या होता है कि जब आप इस डेटा सेट के अंदर जितने भी रिव्यूज हैं, विच इज 49,000, इन सारे रिव्यूज के सारे वर्ड्स को जोड़ देते हो, देन इट बिकम्स द कॉर्पस। बेसिकली इस पूरे डेटा सेट में जितने भी वर्ड्स हैं उसके कॉम्बिनेशन को आप कॉर्पस बोलते हो। यहाँ पे वर्ड्स बहुत सारे रिपीट भी होंगे, ऑब्वियस बात है, ठीक है, यू कैन इजिली सी, ठीक है। एंड ऑब्वियसली अगर आप इतने बड़े डेटा सेट की बात कर रहे हो तो शायद लाखों में होगा इसका कॉर्पस का नंबर, शायद पता नहीं 10 लाख हो सकता है या उससे भी ज्यादा हो सकता है। अब ये आप आराम से निकाल सकते हो, बेसिकली सारे के सारे स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट कर दो, हर रिव्यू को कॉन्कैटिनेट कर दो, आपको आपका कॉर्पस मिल जाता है, ठीक है। सिंपल इनफ, आई गेस इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ कम्स द क्वेश्चन कि वोकैबुलरी क्या होता है। सो वोकैबुलरी इज बेसिकली जितने भी यूनिक वर्ड से वो कॉर्पस बना है। सो मान लो आपके कॉर्पस में 10 लाख वर्ड्स हैं। अब ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, तो इसमें से आप जैसे कि जैसे ही सारे यूनिक वर्ड्स निकाल लोगे वो आपका वोकैबुलरी बन गया। मान लो आपके पास 50,000 यूनिक वर्ड्स हैं और 50,000 यूनिक वर्ड से ही आपका 10 लाख वर्ड्स का कॉर्पस बना, तो 50,000 जो यूनिक वर्ड्स है उसी को आप वोकैबुलरी बोलते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज, बाय द वे, वोकैबुलरी को आप वी से डिनोट करते हो। नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट क्या होता है? सिंस आपके पास 49,000 रिव्यूज हैं तो हर इंडिविजुअल रिव्यू को आप एक डॉक्यूमेंट बोलोगे। पहला रिव्यू पहला डॉक्यूमेंट, दूसरा रिव्यू दूसरा डॉक्यूमेंट, एंड सो ऑन। एक बार में आप एक डॉक्यूमेंट के ऊपर काम करते हो, ठीक है। लास्टली वर्ड क्या होता है? हर डॉक्यूमेंट का इंडिविजुअल वर्ड को आप वर्ड बोलते हो, जैसे कि वन एक वर्ड है, अदर एक वर्ड है, ठीक है। डॉक्यूमेंट को आप डी से डिनोट करते हो, वर्ड को आप डब्ल्यू से डिनोट करते हो। एक बार समराइज कर लेते हैं, जब आप अपने पूरे डेटा सेट के सारे वर्ड्स को जोड़ देते हो और उसमें रिपीटेड वर्ड्स भी हैं, उसको कॉर्पस बोला जाता है। जैसे ही आप उसमें से, आई एम सॉरी, जैसे ही आप उसमें से सारे के सारे यूनिक वर्ड्स निकाल लेते हो उसको वोकैबुलरी बोला जाता है। हर यूनिक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को आप डॉक्यूमेंट बोलते हो और उसके अंदर यूज होने वाले हर वर्ड को आप वर्ड बोलते हो, ठीक है। ये चार चीजें अगर आपके दिमाग में क्लियर हैं, आगे आप फंसोगे नहीं, ठीक है। सो गाइज, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट टेक्निक दैट इज वन हॉट इनकोडिंग, मैं आपके सामने एक छोटा सा डेटा सेट रख रहा हूँ। इस डेटा सेट में चार डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। चार सेंटेंसेस हैं बेसिकली। पहला सेंटेंस है पीपल वॉच कैंपस एक्स, दूसरा सेंटेंस है कैंपस एक्स वॉच कैंपस एक्स, थर्ड सेंटेंस इज पीपल राइट कमेंट, एंड द फोर्थ सेंटेंस इज कैंपस एक्स राइट कमेंट। मेरा टारगेट है कि मुझे इन सारे डॉक्यूमेंट्स को नंबर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब सबसे पहले अगर आप देखो तो इस पूरे के पूरे जो आपके पास ये टेक्स्ट है इसका कॉर्पस अगर आप निकालो तो इट विल बी बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द वर्ड्स। सो मैंने लिख दिया सारे सेंटेंसेस को साइड बाय साइड लिख दिया। अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द वोकैबुलरी, तो यू हैव टू फाइंड आउट द यूनिक नंबर ऑफ वर्ड्स प्रेजेंट इन योर कॉर्पस। सो यू कैन सी यूनिक नंबर ऑफ वर्ड्स क्या है, पीपल है, वॉच है, कैंपस एक्स है, राइट है और कमेंट है। सो बेसिकली ये पूरा का पूरा कॉर्पस 5 यूनिक वर्ड से बना है। सो व्हाट आई कैन से इज कि यहाँ पर v का वैल्यू इज 5, ठीक है। अब वन हॉट एनकोडिंग टेक्निक क्या बोलता है कि आप क्या करोगे कि आप अपने डॉक्यूमेंट का हर वर्ड को v डायमेंशनल वेक्टर में कन्वर्ट कर दोगे। v कितना है? 5। इसका मतलब आप अपने डॉक्यूमेंट के हर वर्ड को 5 डायमेंशनल वेक्टर में कन्वर्ट कर दोगे। कैसे? बहुत सिंपल है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। लेट्स से हमारा जो पहला डॉक्यूमेंट है, हम यहां पर अपना पहले डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू नंबर्स। सो वो एक एरे होगा। अब इसमें 3 वर्ड्स हैं, तो पहला वर्ड है पीपल, तो
तो अकॉर्डिंग टू वन हॉट इनकोडिंग पीपल का न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन ये होगा 1 0 0 0 0, क्योंकि पीपल एक बार आया, वॉच नहीं है, कैंपस एक्स नहीं है, राइट नहीं है, कमिट नहीं है, तो मैं इस एरे के अंदर पहले वर्ड को फिर से एक एरे के फॉर्म में लिखूंगा 1 0 0 0 0, ठीक है। अब आता है सेकेंड वर्ड वॉच। वॉच अकॉर्डिंग टू दिस रिप्रेजेंटेशन वुड बी 0 1 0 0 0, और यहां पे अब मैं सेकेंड एरे को लिख रहा हूं 0 1 0 0 and 0, एंड लास्टली कैंपस एक्स। कैंपस एक्स को हम लिखेंगे 0 0 1 0 0, और यहां पे हम थर्ड एरे डाल रहे हैं 0 0 1 0 0, और ये मेरा एरे बंद हो गया, ठीक है। तो अब इस D1 का शेप वुड बी 3 5, ठीक है। एक और ट्राई करते हैं, कैंपस एक्स वॉचेस वॉच कैंपस एक्स, तो D2 हो जाएगा हमारा, पहला हो जाएगा कैंपस एक्स, तो आ जाएगा 0 0 1 0 0, फिर वॉच के लिए आ जाएगा 0 1 0 0 0, और फिर से कैंपस एक्स के लिए आ जाएगा 0 0 1 0 0, और इसका भी शेप हो जाएगा 3 5, एंड इसी तरीके से आप डॉक्यूमेंट 3 को और डॉक्यूमेंट 4 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। एंड दिस इज वन हॉट इनकोडिंग। वन हॉट इनकोडिंग बहुत ही सिंपल है, और आप बस ये टेक्निक फॉलो करते हो। आप क्या करते हो, अपने हर वर्ड को, अपने डॉक्यूमेंट के हर वर्ड को वी डायमेंशनल वेक्टर में कन्वर्ट कर देते हो यूजिंग दिस रिप्रेजेंटेशन, और फिर उन वर्ड्स को दोबारा से कंबाइन करके डॉक्यूमेंट का फॉर्मेशन करते हो, ठीक है। सो बेसिकली आपके पास एट द एंड एक 2D एरे आता है ऑफ नंबर्स, ठीक है। अब अगर आप इस टेक्निक का बात करो, तो इस टेक्निक का एक फायदा ये है, अगर आप प्रोज की बात करो तो उसका फायदा ये है कि इट इज वेरी इंट्यूटिव, मतलब बहुत लॉजिकली समझ में आ रहा है, इजिली समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है, ठीक है। एंड दैट इज वाई इट इज ऑल्सो ईजी टू इम्प्लीमेंट, मतलब आप इसका खुद से कोड भी लिख सकते हो बहुत जल्दी। अगर आपको थोड़ा भी पाइथन आता है, आप थोड़ी देर में इसका कोड लिख सकते हो, इट इज वेरी ईजी टू इम्प्लीमेंट। बट आज की डेट में ये टेक्निक आप यूज नहीं करते। ये टेक्निक मैंने आपको सिर्फ इसलिए पढ़ाई क्योंकि ये आगे के टेक्निक्स को समझने में हेल्प करेगी। ये टेक्निक आज की डेट में इसलिए यूज नहीं होती क्योंकि इस टेक्निक में बहुत सारे फ्लॉज हैं या डिसएडवांटेजेस हैं। हम अब वो डिसएडवांटेजेस समझेंगे, और वो डिसएडवांटेजेस समझने से हमें ये समझ में आएगा कि आगे की टेक्निक्स उन डिसएडवांटेजेस को कैसे हैंडल कर रही है। सो फ्लॉ नंबर 1 है स्पार्सिटी। स्पार्सिटी क्या होता है ये जानने के लिए एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे, आप इसका आंसर करने का ट्राई करना। फिलहाल जो मेरा पूरा का पूरा डेटा है वो सिर्फ 4 सेंटेंसेस का है, और हर सेंटेंस में 3 वर्ड्स हैं। बट रियल वर्ल्ड में जो डेटा होगा वो बहुत बड़ा होगा। हो सकता है कि मेरे पास 50,000 रिव्यूज हैं, और हर रिव्यू में लेट्स से ऑन एन एवरेज 100 वर्ड्स हैं। इन दैट केस इफ यू थिंक मेरा कॉर्पस बहुत बड़ा होगा, शायद 10 लाख वर्ड्स का होगा, और मेरा वोकैबुलरी भी बहुत बड़ा होगा, लेट्स से 50,000 वर्ड्स का मेरा वोकैबुलरी है, जिसका बेसिकली मतलब है कि मेरे पूरे के पूरे टेक्स्ट में 50,000 यूनिक वर्ड्स हैं। अब अगर आप सोचो तो प्रॉब्लम क्या होगी कि आपका ये जो वन हॉट इनकोडिंग वाला तरीका था, इसमें हर वर्ड टोटल कितने नंबर से बनेगा? 50,000 नंबर से, क्योंकि यहां पे तो सिर्फ 5 यूनिक वर्ड्स थे, इसलिए आपका हर वर्ड आप 5 नंबर से रिप्रेजेंट कर रहे थे, लाइक दिस 1 0 0 0 0। अब सोचो अगर मेरे पास 50,000 यूनिक वर्ड्स हैं, वी का वैल्यू अगर 50,000 है, तो फिर हर वर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 50,000 नंबर्स चाहिए होंगे। और अगर आप ध्यान से सोचो तो उस 50,000 नंबर्स में सिर्फ एक नंबर 1 होगा, बाकी सारे नंबर 0 होंगे, और इस तरह के एरे को स्पार्स एरे बोला जाता है। और स्पार्स एरे को हैंडल करना बहुत ही डिफिकल्ट काम होता है,
और मशीन लर्निंग में एक और बड़ी प्रॉब्लम जब होती है स्पार्स एरे के आने से, वो है ओवरफिटिंग की। तो सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम यही हो गया हमारा कि अगर आपके पास एक रियल वर्ल्ड डेटा सेट है जिसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो फिर वन हॉट इनकोडिंग करने के बाद आपके पास जब ये एरे आएगा, इसमें बहुत सारे जीरोस होंगे, जिसकी वजह से इसके साथ काम कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, सेकेंड प्रॉब्लम, अगेन मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, और लेट्स से हमारा जो थर्ड डॉक्यूमेंट है, हम इस छोटे डेटा सेट की बात कर रहे हैं, ये जो हमारा थर्ड डॉक्यूमेंट है इसमें एक और वर्ड है हेलो, या फिर लेट्स से हेलो नहीं लेकर के हम लोग क्या करते हैं, एक और वर्ड है वॉच। ठीक है, वोकैबलरी बढ़ा नहीं है क्योंकि वॉच पहले से वोकैबलरी में है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जब आप फर्स्ट वाले डॉक्यूमेंट को नंबर में रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो जो एरे फॉर्म हो रहा था उसका शेप क्या था? मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था 3,5। क्यों? क्योंकि तीन वर्ड्स हैं और हर वर्ड को डिस्क्राइब करने के लिए पांच नंबर्स चाहिए, क्योंकि आपकी वोकैबलरी में पांच नंबर्स हैं। सिमिलरली अगर आप इस वाले की बात करो तो यहाँ पे भी शेप क्या होगा? 3,5। और लास्ट वाले का भी क्या होगा? 3,5। वॉट डू यू थिंक थर्ड वाले का शेप होना चाहिए? द आंसर इज 4,5, बिकॉज इस बार आपके पास चार वर्ड्स हैं आपके डॉक्यूमेंट में और हर वर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए पांच नंबर्स चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या है कि मशीन लर्निंग मॉडल्स काम ही नहीं करेंगे, मशीन लर्निंग एल्गोस काम ही नहीं करेंगे। अगर आपने कभी भी मशीन लर्निंग में काम किया होगा तो शायद आपको पता होगा कि आपको हमेशा फिक्स्ड इनपुट साइज देना होता है अपने मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को। अगर फिक्स्ड साइज नहीं मिलता है तो फिर आपका मशीन लर्निंग एल्गोरिदम काम ही नहीं करता। और यहां पर तीन आइटम्स का साइज 3/5 है और एक का साइज 4/5 है, सो आपका मशीन लर्निंग एल्गोरिदम ट्रेन ही नहीं हो पाएगा, प्रिडिक्शन तो दूर की बात है। तो ये सेकेंड प्रॉब्लम है। थर्ड प्रॉब्लम, मान लो ये वॉच नहीं है, ठीक है, ये हमने बस एग्जाम्पल के लिए दिखाया था, लेट्स इसको हटा देते हैं। तो अब कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, सारे के सारे हमारे 3/5 हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। अब हमारा मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन हो गया, ठीक है, और प्रिडिक्शन करने के लिए रेडी है। प्रिडिक्शन में बस वन और जीरो प्रिडिक्ट करना था। मान लो यहाँ पे डेटा कुछ ऐसा था कि फर्स्ट वाला वन था, सेकेंड वाला वन था, थर्ड वाला जीरो था, फोर्थ वाला वन था, ये हमारा डेटा था। अब प्रिडिक्शन के टाइम पे क्या हुआ कि किसी ने ये इनपुट दे दिया, हेलो कैंपस एक्स, लेट्स से पीपल, लेट्स से ये हमारा इनपुट टेक्स्ट है और हमें इसके लिए वन या जीरो प्रिडिक्ट करना है। अब सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सेम टेक्निक यूज करके पहले नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज कि आपके पास कैंपस एक्स तो है, आपके पास पीपल भी है, बट आपके पास हेलो तो है ही नहीं। इस पूरे रिप्रेजेंटेशन में कहीं भी हेलो नहीं है। अब अगर हेलो है ही नहीं तो आप इस हेलो को रिप्रेजेंट कैसे करोगे? समझ में आ रही है बात? आपने जो ट्रेन किया जिस वोकैबुलरी पे, अगर उससे बाहर कोई वर्ड आ जाएगा प्रिडिक्शन करने के टाइम, तो आप उसको कन्वर्ट ही नहीं कर पाओगे नंबर में, और जब नंबर में कन्वर्ट ही नहीं कर पाओगे तो आपके मशीन लर्निंग मॉडल का कोई प्रिडिक्शन हो ही नहीं सकता। इस प्रॉब्लम को बोला जाता है OOV, आउट ऑफ वोकैबुलरी प्रॉब्लम। सो पहला फ्लॉ था स्पार्सिटी, दूसरा था नो फिक्स्ड साइज, और तीसरी प्रॉब्लम है OOV, आउट ऑफ वोकैबुलरी, ठीक है। और एक चौथी प्रॉब्लम भी है, चौथी प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, और वो ये है कि नो कैप्चरिंग ऑफ सिमेंटिक मीनिंग। ये बहुत लॉजिकल सी एक चीज है, मैं आपको समझाता हूं। मान लो कि आपके पास एक वोकैबुलरी है जिसमें सिर्फ तीन वर्ड्स हैं, और वो वर्ड्स हैं लेट्स से वॉक, रन और लेट्स से शू। ये तीन वर्ड्स हैं आपके पास, मान लो,
ठीक है। अब ऑब्वियसली आप वॉक को रिप्रेजेंट करोगे लाइक दिस, रन को रिप्रेजेंट करोगे लाइक दिस, और शू को रिप्रेजेंट करोगे लाइक दिस। अब इन अ वे ये तीनों वेक्टर्स हैं, ये तीनों के तीनों वेक्टर्स हैं, ये वॉक का वेक्टर है, ये रन का वेक्टर है, और ये शू का वेक्टर है, ठीक है। तो आप इनको वेक्टर्स की तरह ले सकते हो इन अ थ्री डायमेंशनल स्पेस, जहां पे एक एक्सिस है वॉक, एक है रन और एक है शू। अब अगर आप सोचो मैं क्या कर रहा हूं, मैं फर्स्ट वाले पॉइंट को प्लॉट कर रहा हूं, फर्स्ट वाला पॉइंट यहां पे आएगा, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, वन, बाकी सब जीरो। सेकेंड वाला पॉइंट यहां पे आएगा, इनफैक्ट मैं दूसरा कलर यूज करता हूं, ये है फर्स्ट पॉइंट, ये वाला, दिस इज वेक्टर, ये पहला वेक्टर है, दूसरा वेक्टर ये होगा और तीसरा वेक्टर ये होगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि वॉक और रन के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो आप आराम से निकाल सकते हो, शायद रूट टू होगा। सिमिलरली मैं पूछूं वॉक और शू के बीच का डिस्टेंस क्या है, फिर से रूट टू होगा, और रन और शू के बीच का डिस्टेंस क्या है, रूट टू। एक्चुअली एक काम करते हैं, यहाँ पे शू नहीं लेते, यहाँ पे लेट्स से बॉटल ले लेते हैं, क्योंकि रन और शू थोड़ा फिर भी उनका मीनिंग आसपास होता है, तो बॉटल ले लेते हैं, ठीक है, शू नहीं है, बॉटल है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये तीनों वेक्टर्स एक दूसरे से इक्विडिस्टेंट है, राइट, बट थिंक अबाउट इट, अगर आप मीनिंग वाइज जाओ तो वॉक और रन थोड़े ज्यादा सिमिलर है, थोड़े ज्यादा सिमिलर मीनिंग वाली चीजें हैं, बॉटल और रन या फिर बॉटल या वॉक थोड़ा ज्यादा डिससिमिलर है। बट जिस तरीके से हमने इनको नंबर्स में कन्वर्ट किया, ये तीनों इक्विडिस्टेंट बन गए, और इक्विडिस्टेंट बनने का मतलब है कि इनका जो सिमेंटिक मीनिंग था वो हम कैप्चर नहीं कर पाए। तो वन हॉट एनकोडिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि जब आप वेक्टर्स में कन्वर्ट करते हो अपने वर्ड्स को, तो वहां पे सिमेंटिक जो मीनिंग है वो खो जाता है, विच मीन्स कि आप एक्चुअल मीनिंग ऑफ द सेंटेंस कैप्चर नहीं कर पा रहे हो। एंड इफ यू रिमेंबर, मैंने इंट्रोडक्शन में यहां पे आपको बोला था कि कोर आइडिया क्या है बॉस, कोर आइडिया है कि आपको किसी तरीके से टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट करना है, कीपिंग इन माइंड कि जो एक्चुअल मीनिंग है वो नंबर्स में दिखाई देना चाहिए। वो काम वन नॉट एनकोडिंग नहीं कर पाता, और यही इसका सबसे बड़ा फ्लॉ है जिसकी वजह से आप इसको यूज नहीं करते। इसके अलावा भी फ्लॉज है, स्पार्सिटी, नो फिक्स साइज और आउट ऑफ वोकैबुलरी, इन चारों रीजंस की वजह से आज की रेट में किसी भी एनएलपी एप्लीकेशन में वन हॉट एनकोडिंग नहीं यूज किया जाता। अब आपके दिमाग में ऑब्वियसली ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने पढ़ा क्यों, उसका रीजन ये है कि सबसे बेसिक तरीके से नंबर्स में कन्वर्ट करने का यही अप्रोच है, और इसी को हम थोड़ा और बिल्ड करेंगे आगे के टेक्निक्स में। तो समझने के लिए हमने थोड़ा फ्रेमवर्क क्रिएट किया, और ये प्रॉब्लम्स भी हमने समझी, और हम देखेंगे कि आगे वाली टेक्निक्स इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करती हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर वन हॉट एनकोडिंग। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड टेक्निक, दैट इज बैग ऑफ वर्ड्स। सो गाइस, बैग ऑफ वर्ड्स भी एक बहुत फेमस टेक्निक है। इनफैक्ट जितने भी टेक्निक्स हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, उसमें से सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो टेक्निक है वो बैग ऑफ वर्ड्स ही है, ठीक है। अब बैग ऑफ वर्ड्स बहुत पुराना भी है, और इसको स्पेशली बहुत यूज किया जाता है जब आप टेक्स्ट क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के ऊपर काम करते हो। टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में इसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहता है, मतलब रिसर्च में ये प्रूव हुआ है। टेक्स्ट क्लासिफिकेशन का एग्जांपल हो गया कि आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ले रहे हो, न्यूज डॉक्यूमेंट्स, और उनको न्यूज कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हो, पॉलिटिक्स, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, ये एक एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास भी जो डेटा है ये काइंड ऑफ एक टेक्स्ट क्लासिफिकेशन सिनेरियो है, जहां पर ये आपका जो कॉलम है टेक्स्ट, ये आपका इनपुट है, और ये आपका आउटपुट कॉलम है वन या जीरो, ठीक है। तो बैग ऑफ वर्ड्स का जो कोर लॉजिक है वो हम लोग थोड़ी देर के बाद समझेंगे, पहले मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ कि होता कैसे है बैग ऑफ वर्ड्स, ठीक है। सो बैग ऑफ वर्ड्स में भी आप सबसे पहले क्या करते हो कि जो आपका पूरा कॉर्पस है, बेसिकली सारे वर्ड्स का कॉम्बिनेशन, उसमें से आप वोकैबुलरी क्रिएट करते हो। सिंस हम लोग सेम चीज यूज कर रहे हैं, तो यहाँ भी जो वोकैबुलरी है वो 5 है। वोकैबुलरी मतलब नंबर ऑफ यूनिक वर्ड्स, ठीक है, पीपल, वॉच, कैंपस एक्स, राइट, कमेंट, ठीक है। अब अगली चीज जो है वो आप क्या करते हो कि आप
हर डॉक्यूमेंट को उठाते हो एक एक करके। लेट्स से आपने इस डॉक्यूमेंट को उठाया और आप उस डॉक्यूमेंट से पूछते हो कि ये सारे के सारे जो वोकैबुलरी में वर्ड्स हैं ये कितनी बार आए। जैसे कि मैं इस डॉक्यूमेंट से पूछ रहा हूँ कि पीपल कितनी बार आया है, पीपल एक बार आया। वॉच कितनी बार आया, एक बार आया। कैंपस एक्स कितनी बार आया, एक बार आया। राइट कितनी बार आया, जीरो बार आया। कमेंट कितनी बार आया, जीरो बार आया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वाले पे मूव करेंगे। नेक्स्ट वाले में हम पूछेंगे कैंपस एक्स, अच्छा सॉरी, पीपल कितनी बार आया, एक बार भी नहीं आया। वॉच कितनी बार आया, एक बार आया। कैंपस एक्स कितनी बार आया, दो बार आया, तो हम यहाँ पे दो लिखेंगे। राइट जीरो टाइम्स आया, कमेंट जीरो टाइम्स आया। अगले वाले पे मूव कर रहे हैं, पीपल एक बार आया, वॉच नहीं आया, कैंपस एक्स नहीं आया, राइट आया, कमेंट आया। लास्ट वाले में पीपल नहीं आया, वॉच नहीं आया, कैंपस एक्स आया, राइट आया, कमेंट आया। एंड दैट्स इट। दिस इज डॉक्यूमेंट वन वेक्टर फॉर्म में, दिस इज डॉक्यूमेंट टू, दिस इज डॉक्यूमेंट थ्री एंड दिस इज डॉक्यूमेंट फोर। ठीक है, एंड दैट्स इट। बस इतना ही करना है आपको। आपको बस ये क्वेश्चन पूछना है कि आपकी वोकैबुलरी में जो भी वर्ड्स हैं वो आपके करंट डॉक्यूमेंट में कितनी बार आ रहे हैं। दैट्स इट। अब जो कोर आइडिया है, जो कोर इंट्यूशन बोल सकते हो आप इस एल्गोरिदम का, ये है कि इस एल्गोरिदम को लगता है कि जो भी सिमिलर, जैसे कि ये दोनों वन क्लास के हैं तो ये दोनों सिमिलर होने चाहिए। अब दो डॉक्यूमेंट्स का सिमिलर होने का लॉजिक ये है कि उनमें सेम टाइप के वर्ड्स सेम टाइप की फ्रीक्वेंसी पे आएंगे। दैट इज द कोर इंट्यूशन। कहने का मतलब है कि एक कैटेगरी के जो सेंटेंसेस होंगे या टेक्स्ट होगा उसमें एक ही टाइप के वर्ड्स सिमिलर टाइप की फ्रीक्वेंसी में अकर करेंगे। यही कोर इंट्यूशन है आपके बैग ऑफ वर्ड्स का। बैग ऑफ वर्ड्स में आप ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स मैटर नहीं करता। पीपल पहले आए या कैंपस एक्स पहले आए वो मैटर नहीं करता। वो वर्ड अकर कर रहा है और कितनी फ्रीक्वेंसी में अकर कर रहा है ये मैटर करता है। सेकेंड, कॉन्टेक्स्ट मैटर नहीं करता। ठीक है, मतलब सेंटेंस के अंदर कहा क्या जा रहा है, जो कॉन्टेक्स्चुअल मीनिंग है, सिमेंटिक मीनिंग है, उसको डायरेक्टली आप कवर नहीं करते हो। ठीक है, बट एक तरीके से कवर हो जाता है, मैं थोड़ी देर के बाद आपको समझाऊंगा। सो यही कोर इंट्यूशन है। ठीक है, बैग ऑफ वर्ड्स क्यों बोला जाता है, बिकॉज ऐसा पहले मतलब ट्रीट किया जाता था, जैसे ये पूरे के पूरे कॉर्पस को उठा के हमने एक बैग में डाल दिया और फिर हम ये वोकैबलरी में पूछ रहे हैं कि हर वर्ड कितनी बार आया। ठीक है, सो दैट्स द कॉन्टेक्स्ट। नाउ मैं आपको ये बताता हूँ कि सिमेंटिक मीनिंग कैसे कैप्चर हो पा रहा है। ठीक है, सो होता क्या है कि एट द एंड आप अपने टेक्स्ट को एक वी डायमेंशनल वेक्टर में कन्वर्ट कर रहे हो। यू कैन सी हर डॉक्यूमेंट एक वेक्टर में कन्वर्ट हो रहा है जो कि 5D है इस केस में। ठीक है, तो मैं 5D तो ड्रॉ करके नहीं दिखा सकता, मैं आपको 3D ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। मान लो हमारे पास सिर्फ तीन वर्ड्स होते, पीपल, वॉच और कैंपस एक्स, राइट और कमेंट नहीं होता। इन दैट केस हमारे पास मान लो ये एक वेक्टर होता, ये एक वेक्टर होता। सो ये जो वेक्टर है 111, ये कहीं इस जगह पे होता और ये जो है 012, ये शायद कहीं इस प्लेन में होता, इस वाले प्लेन में। ठीक है, तो इस तरीके से होता। तो अब सिंस ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, ये दोनों सेंटेंसेस अब वेक्टर हैं। अब अगर ये दोनों वेक्टर्स बहुत सिमिलर हैं तो ये दोनों बहुत पास होंगे, मतलब इनके बीच का ये जो एंगल है, मैं आपको थोड़ा 2D प्लेन में दिखाता हूँ, ये और ये, इनके बीच का एंगल बहुत कम होगा। ठीक है, अगर कोई बहुत दूर होगा तो उनके बीच का एंगल बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, इसी बेसिस पे आप ये पूरा का पूरा चीज कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, इस टेक्स्ट को आप फर्स्ट ऑफ ऑल एक एन डायमेंशनल स्पेस में वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहे हो। मैं आपको 2D में दिखा रहा हूं बट ये 5D है। आप एक रियल वर्ल्ड डेटा सेट में जाओगे तो शायद वो 50,000 डायमेंशन भी हो सकता है, बट आइडिया सेम है। ठीक है, और सेकेंड वाला सेंटेंस आपका मान लो यहां पर है और मान लो एक और सेंटेंस आपका यहां पर है। तो सिंस ये सेंटेंस इससे ज्यादा पास है तो इसका जो क्लास होगा वही आप इसको असाइन कर दोगे। ठीक है, दैट इज हाउ इट वर्क्स। आप बेसिकली इमेजिन करो कि आप एक सेंटेंस को एक वेक्टर फॉर्म दे रहे हो। वेक्टर मतलब
एक एन डायमेंशनल स्पेस में वो एक पॉइंट कर रहा है, एक पॉइंट की तरफ पॉइंट कर रहा है, और आप सिमिलैरिटी कैसे कैलकुलेट कर रहे हो इस कॉस थीटा के बेसिस पे, ठीक है, जो आपका एंगुलर सिमिलैरिटी है, ठीक है. सो दैट इज हाउ बैग ऑफ वर्ड्स वर्क. अब मैं आपको जल्दी से इसका इम्प्लीमेंटेशन दिखाता हूँ साइकिट लर्न में कैसे है. सो देर इज अ क्लास कॉल्ड काउंट वेक्टराइजर. काउंट वेक्टराइजर हम ये क्लास यूज करेंगे, हमें खुद से कुछ भी कोड लिखने की जरूरत नहीं है. यहाँ पर देखो मैंने सेम डेटा सेट यूज किया है. ये मैंने लाइब्रेरीज इम्पोर्ट की, ये मैंने अपना डेटा फ्रेम फॉर्म किया, और ये रहा मेरा डेटा फ्रेम. ठीक है, बिल्कुल सेम चीज है जो मैंने वहां पे आपको दिखाया. ठीक है, अब सबसे पहले आपको क्या करना है, फीचर एक्सट्रैक्शन डॉट टेक्स्ट से काउंट वेक्टराइजर क्लास को इम्पोर्ट करना है, उसका एक ऑब्जेक्ट बना लेना है, लेट्स कॉल इट सीवी. ठीक है, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, जैसे नॉर्मल साइकिट लर्न में आप कोई भी प्री प्रोसेसिंग स्टेप करते हो बिल्कुल वैसे ही आपको सीवी डॉट फिट ट्रांसफॉर्म को कॉल करके वो वाला कॉलम पास कर देना है जिसमें आपका टेक्स्ट है, जो कि मैंने कर दिया. ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट को हम लोग बीओडब्ल्यू बोल सकते हैं, एज इन बैग ऑफ वर्ड्स बोल सकते हैं. अब इसने क्या किया, इस पॉइंट पे सारी की सारी वोकैबुलरी निकाल ली, बेसिकली सारे यूनिक वर्ड्स निकाल लिए. सो अगर आप यहाँ पर देखो, ये प्रिंट करके सीवी डॉट वोकैबुलरी अंडरस्कोर बोल के एक एट्रीब्यूट है इस क्लास में, तो यू कैन सी ये रहे अपने वोकैबुलरी. इनके आगे का नंबर पे अभी फोकस मत करना, ये बेसिकली इंडेक्स पोजिशन बता रहा है. इसके हिसाब से ऑर्डरिंग में सबसे पहले कैंपस एक्सपर्ट आ रहा है, उसके बाद कमेंट आ रहा है, उसके बाद वॉच, उसके बाद पीपल आ रहा है, उसके बाद वॉच आ रहा है, उसके बाद राइट आ रहा है. ठीक है, अब ये अल्फाबेटिकली हो सकता है या फिर पता नहीं हैशिंग हो सकती है इंटरनली, अभी मैंने ध्यान नहीं दिया. अभी देख करके तो ऐसा लग रहा है जैसे ये अल्फाबेटिकली डिसाइड कर रहा है कि वोकैबुलरी में कौन सा वर्ड सबसे पहले आएगा, कौन सा वर्ड सबसे बाद में आएगा, बट अगेन हमें फर्क नहीं पड़ता, ये हमारी वोकैबुलरी हमें मिल गई. ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे पहले सेंटेंस को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ इंटू अ वेक्टर. ठीक है, सो गोइंग बाय दिस लॉजिक हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, हमें बस लिखना है BOW0, और हमें टू एरे को कॉल करना है, क्योंकि यहाँ पे स्पार्स मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है. क्या होता है स्पार्स मैट्रिक्स, मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताता हूँ, बट उसको नॉर्मल नंपाई एरे में कन्वर्ट करने के लिए मैंने डॉट टू एरे यूज किया. ये है मेरा फर्स्ट सेंटेंस और ये है मेरा सेकेंड सेंटेंस. एक बार पहले फर्स्ट सेंटेंस पे अगर हम फोकस करें तो दिस इज द आउटपुट 10110. ठीक है, और अगर आप देखो तो वन क्या है, सबसे पहला वाला कैंपस एक्स वो यहाँ पर है इसलिए यहाँ पर वन आ रहा है. ठीक है, सेकेंड क्या है, कमेंट, कमेंट सिंस इसमें नहीं है इसलिए जीरो आ रहा है. थर्ड क्या है, पीपल, सिंस पीपल है इसलिए वन आ रहा है. उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है राइट, सॉरी नेक्स्ट इज वॉच, तो वॉच है इसलिए यहाँ भी वन आ रहा है. और लास्ट है आपका राइट, सिंस राइट इस सेंटेंस में नहीं है इसलिए यहाँ पे जीरो आ रहा है. ठीक है, अगले वाले से क्लैरिटी आ जाएगी. कैंपस एक्स वॉच कैंपस एक्स. ठीक है, इस केस में अगर आप देखो तो सबसे पहले पूछा जाएगा कैंपस एक्स जो मेरा वोकैबुलरी में था वो कितनी बार आ रहा है, इस सेंटेंस में दो बार आ रहा है, तो यहाँ पे टू आ गया, और आगे का फिर आप देख सकते हो. ठीक है, सो दैट इज हाउ सिंपल इट इज, बहुत सिंपली वो सारा काम हो रहा है. अब कल को अगर आप एक नया सेंटेंस लेकर के आते हो, मान लो प्रिडिक्शन करने के टाइम, और लेट्स से नया सेंटेंस ये है कि कैंपस एक्स वॉच एंड राइट कमेंट, या फिर आप लिख सकते हो इसको, लेट्स से आप ये लिख सकते हो ऑफ कैंपस एक्स, दिस इज द आउटपुट. देखो इस नए सेंटेंस में कैंपस एक्स दो बार आ रहा है, आपका कमेंट एक बार आ रहा है, आपका पीपल एक भी बार नहीं आ रहा है इसलिए यहाँ पे जीरो है, और अगला जो था वॉच और राइट वो दोनों भी एक एक बार आ रहे हैं. द गुड पार्ट इज कि यहाँ पे आउट ऑफ वोकैबुलरी वाला जो प्रॉब्लम था जो मैंने आपके साथ शेयर किया था वन हॉट इनकोडिंग में, वो हैंडल हो रहा है. जैसे कि एंड एक ऐसा वर्ड है जो ट्रेनिंग के टाइम पे नहीं था हमारे पास. ठीक है, यू कैन सी हमारे पास नहीं है, यहाँ पर एंड नहीं है, यहाँ पर भी एंड नहीं है. ठीक है, और ऑफ भी नहीं है, तो यू कैन सी उनको यहाँ पे दिखाया ही नहीं गया, क्योंकि लॉजिकली हमें जरूरत भी नहीं है. हमें बस ये पता करना है कि वोकैबुलरी में जो वर्ड्स हैं वो इस सेंटेंस में कितनी बार आ रहे हैं. सो अगर यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड है जो वोकैबुलरी में नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे आउट ऑफ वोकैबुलरी वाली जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम नहीं होती है. ठीक है, ऑल्सो एक और चीज, एंड और
ऑफ एनीवेज आपके स्टॉप वर्ड्स हैं तो वो प्री प्रोसेसिंग वाले स्टेप में हट ही जाएंगे, सो आपका कंसर्न नहीं है वो। बट अगेन मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था कि कल को एक नया वर्ड आ जाता है तो उसको कैसे हैंडल करना है, आपको करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हैंडल रहेगा। ठीक है, सो आई होप आपको यहां तक समझ में आ रहा है। नेक्स्ट मैं आपको इस क्लास का काउंट वेक्टराइजर क्लास का हाइपर पैरामीटर्स दिखाना चाहता था। सो यहाँ पे इट्स अ वेरी पावरफुल क्लास जिसमें बहुत सारे तरीके के आप कस्टमाइजेशंस कर सकते हो, सेटिंग्स चेंज करके अपने हिसाब से काम निकलवा सकते हो। अब सारे के सारे मैं नहीं समझाने वाला, आई वुड रिकमेंड यू टू गो थ्रू दिस पेज, एक बार पढ़ना, अच्छा समझ में आएगा। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है? जैसे कि ये सब आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, लोअर केस इक्वल टू ट्रू। तो जब आप ये सारा का सारा टेक्स्ट भेजोगे अपने क्लास में तो ये सबसे पहले सबको लोअर केस कर देगा। ये सब प्री प्रोसेसिंग के स्टेप्स हैं। यहाँ पे आप टोकनाइजर बता सकते हो, यहाँ पे आप स्टॉप वर्ड्स में बता सकते हो कि कौन से लैंग्वेज का स्टॉप वर्ड्स हटाना है। आपको पहले से NLTK से ये काम करवाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हो। टोकन का पैटर्न वगैरह भी आप रेगेक्स से सेट कर सकते हो। ये एनग्राम क्या होता है आपको थोड़ी देर के बाद समझ में आएगा जब मैं डिस्कस करूंगा। जो मेन फीचर है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। पहला फीचर है जो हमें डिस्कस करना है वो है बाइनरी फीचर, ठीक है? बाइनरी, सो बाइनरी का डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स होता है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, बाइनरी का डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आपने इसको ट्रू सेट कर दिया, ऑल नॉन जीरो काउंट्स आर सेट टू वन। मतलब सिंपल सा फंडा है कि जैसे ही आप बाइनरी इक्वल टू ट्रू करोगे क्या होगा कि आपके इस पूरे के पूरे मैट्रिक्स में जहां पर भी एक से ज्यादा कोई अकरेंस होगा उसको वन बना दिया जाएगा। एसेंशियली ये पूरा मैट्रिक्स जीरो और वन से बना होगा फिर, ठीक है? मतलब दिस इज अ थिंग, ये भी यूज होता है कि आप ये नहीं पता कर रहे कि फ्रीक्वेंसी क्या है किसी भी वर्ड का, आप ये पता कर रहे हो कि वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं। बेसिकली आप यही तो क्वेश्चन कर रहे हो, आप वन का मतलब एग्जिस्ट करता है, जीरो का मतलब एग्जिस्ट नहीं करता है। अब अगेन रिसर्च से ये प्रूवन है कि सेंटिमेंट एनालिसिस में, सेंटिमेंट एनालिसिस अगर आप कर रहे हो तो ये ज्यादा हेल्पफुल है, बाइनरी इक्वल टू ट्रू वाला सेटअप, रादर देन ये काउंट दिखाने के। तो दोनों बैग ऑफ वर्ड्स के अंदर ही आता है, ज्यादातर आप बाइनरी फॉल्स लेके चलते हो, बट सेंटिमेंट एनालिसिस कर रहे हो तो आपको फिर इसको जीरो कर देना, मतलब ट्रू कर देना चाहिए, ठीक है? तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट इज मैक्स फीचर्स, ठीक है? अब मैक्स फीचर्स में आप क्या कर सकते हो कि अगर डिफॉल्ट नन है तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है बिल्ड अ वोकैबुलरी दैट ओनली कंसिडर्स द टॉप मैक्स फीचर्स ऑर्डर्ड इफ नॉट रन के लिए। ओके, सो बेसिकली फंडा ये है कि लेट्स से आपने क्या किया, मैक्स फीचर का वैल्यू इस केस में, मैक्स फीचर का वैल्यू आपने लेट्स से दे दिया वन, लेट्स से आपने वन दे दिया, तो अब क्या होगा कि आप सबसे पहले इस कॉर्पस में हर जो आपका वर्ड है उसका फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करोगे। तो जैसे कि यहाँ पे कैंपस एक्स जो वर्ड है वो चार बार आ रहा है, 1, 2, 3 और 4, तो इसका फ्रीक्वेंसी सबसे हाई है। और सिंस आपने मैक्स फीचर इक्वल टू वन दिया है, इट मींस आप बोल रहे हो कि आपको सिर्फ एक ही फीचर आउटपुट में चाहिए जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो इन दैट केस ये इग्नोर हो जाएगा, ये इग्नोर हो जाएगा, ये इग्नोर हो जाएगा, ये भी इग्नोर हो जाएगा, सिर्फ कैंपस एक्स के ऊपर ही आप सारा काम करोगे। लेट्स से आपने मैक्स फीचर्स टू कर दिया, इन दैट केस जो सेकेंड सबसे ज्यादा अकर करने वाला है वो भी यूज होगा। जैसे कि लेट्स से वॉच है तो हम फिर वॉच को रखेंगे, कैंपस एक्स को रखेंगे, ठीक है? तो ये तब काम आता है जब आपके पास बहुत सारे वर्ड्स हैं और जो कुछ वर्ड्स हैं वो बहुत यूज नहीं हो रहे हैं, बहुत ही रेयर वर्ड्स हैं। तो रेयर वर्ड्स को हटाने के लिए आप ये वाला टेक्निक यूज करते हो। अगेन ये एक हाइपर पैरामीटर है, इसका वैल्यू अलग अलग सेट करके आपको पता करना होता है कि आपको बेस्ट रिजल्ट कौन से वैल्यू के लिए मिल रहा है। सो यहाँ पे अभी ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, बस मैक्स फीचर्स का कॉन्सेप्ट समझ लेना। अब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक बार आपको ये पेज पूरा अच्छे से पढ़ना चाहिए, एंड इफ पॉसिबल काउंट वेक्टराइजर को आपको एक बड़े प्रॉपर डेटा सेट के ऊपर चला के देखना चाहिए, ठीक है? तब आपको असली अंडरस्टैंडिंग होगा कि ये पूरी चीज कैसे काम कर रही है, ठीक है? अब लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, और वो है कि
हमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस समझने हैं इस टेक्निक के, क्योंकि वो समझेंगे नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा कि आगे वाली टेक्निक्स क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो इस टेक्निक में भी कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। पहला एडवांटेज आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि इट्स वेरी सिंपल एंड इंट्यूटिव, ये तो क्लियर बात है, तुरंत समझ में आ रहा है कि कैसे काम कर रहा है। सेकेंड थिंग, यहां पर थोड़ा बहुत, इनफैक्ट एक काम करते हैं कि वन हॉट इनकोडिंग वाला जो टेक्निक था उसके जो फ्लॉज थे वो डिस्कस करते हैं। पहला था स्पार्सिटी, इसको थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे। एक फ्लॉ था वहां पे, नो फिक्स साइज, मतलब अगर यहाँ पे वर्ड्स चेंज हो गए तो फिर आपके इस एरे का साइज चेंज हो रहा था, जो कि मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को अच्छा नहीं लगेगा। ये प्रॉब्लम बैग ऑफ वर्ड्स सॉल्व करता है, ऑनेस्टली इफ यू थिंक आपको समझ में आएगा कि बैग ऑफ वर्ड्स में कल को यहाँ पे एक और वर्ड भी आ जाए, ठीक है, एक और वर्ड भी आ जाए तो भी आपका जो आउटपुट ये होगा, वेक्टर होगा, उसका साइज हमेशा 5D ही रहेगा। क्योंकि एट द एंड आप क्या कर रहे हो, आप ये पूछ रहे हो कि ये वर्ड इस सेंटेंस में कितनी बार आया, ये वर्ड इस सेंटेंस में कितनी बार आया, तो हमेशा जो आपको आउटपुट मिलेगा वो सेट ऑफ 5 नंबर्स ही मिलेगा। यहाँ पे आप कितने भी वर्ड्स ले आओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके आउटपुट में आपका जो डॉक्यूमेंट्स हैं, हर डॉक्यूमेंट का साइज विल बी एग्जैक्टली द सेम, और दैट इज वाई मशीन लर्निंग मॉडल को कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये पहला प्रॉब्लम हमने रिजॉल्व किया, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम जो था वो था OOV का, आउट ऑफ वोकैबुलरी वाला, वो भी इन्होंने हैंडल कर लिया। आउट ऑफ वोकैबुलरी का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगेन जिस तरीके से ये एल्गोरिदम डिजाइंड है, कल को अगर यहाँ पे एक नया वर्ड आ भी जाता है तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम क्वेश्चन ही ऐसा पूछ रहे हैं कि हमारे वोकैबुलरी के वर्ड्स नए सेंटेंस में कितनी बार आ रहे हैं। कल को अगर कोई वर्ड ऐसा है जो नहीं है वोकैबुलरी में, वी विल नॉट आस्क द क्वेश्चन कि वो नया वर्ड कितनी बार आ रहा है। आई होप यू गेट द पॉइंट। एक और जो फ्लॉ था वो ये था कि सिमेंटिक रिलेशनशिप कैप्चर नहीं कर पा रहा था, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि सिंस आपके पास सेट ऑफ 5 नंबर्स मिल रहे हैं, आप हर सेंटेंस को 5 नंबर के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहे हो इन अ 5 डायमेंशनल स्पेस। सो बेसिकली आप वेक्टर्स बना रहे हो, और वेक्टर्स का क्लोजनेस डिसाइड कर रहा है कि कौन से 2 वेक्टर्स साथ में होंगे, कौन से 2 वेक्टर्स अलग अलग होंगे। तो इन अ वे आप थोड़ा सा, आई वुड नॉट से कंप्लीटली, बट थोड़ा सा आप सिमेंटिक रिलेशनशिप कैप्चर कर पाते हो, ठीक है। अब परफेक्टली तो नहीं होता, अदरवाइज बाकी एल्गोरिदम्स की जरूरत नहीं पड़ती, बट थोड़ा सा आउट ऑफ सॉरी वन हॉट एनकोडिंग से तो बेटर है, ठीक है। अब अगर हम बात करें डिसएडवांटेजेस का, तो वो भी यहाँ पर कुछ कुछ है, लेट्स डिस्कस देम। बैग ऑफ वर्ड्स का भी सबसे पहला जो परेशानी है, डिसएडवांटेज है, वो है स्पार्सिटी, जैसा कि वन हॉट एनकोडिंग का था। यहां पर भी अगर आप देखो कि अगर आप एक रियल वर्ल्ड डेटा के साथ काम कर रहे हो, तो आपका जो वोकैबलरी है वो सिर्फ 5 का नहीं होगा, वो शायद 50,000 का हो सकता है, और आई एम सॉरी 50,000 का हो सकता है। और इन दैट केस ये जो वेक्टर्स फॉर्म होंगे उसमें बहुत सारे जीरोज होंगे, और अगेन बहुत सारे जीरोज होने की वजह से उनका हैंडलिंग बहुत डिफिकल्ट होता है। ऑल्सो देर इज अ प्रॉब्लम ऑफ ओवरफिटिंग, ये परेशानी अभी तक हमने सॉल्व नहीं की, ठीक है। सेकेंड जो परेशानी है वो है आउट ऑफ वोकैबलरी वाले वर्ड्स की। सो लेट से मेरे को एक नया वर्ड मिल जाता है, हेलो कैंपस, कैंपस एक्स, ये एक नया सेंटेंस है। अब ऑब्वियसली हेलो नहीं है यहाँ पर, हेलो नहीं है इस वोकैबलरी में, तो मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ। यू कैन सी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ। तो इन अ वे जो इन्फॉर्मेशन हेलो प्रोवाइड कर रहा था, जो कि हो सकता है काम आ जाता मुझे, मैं उसको कंसिडर ही नहीं कर रहा, मैं उसको सीधे इग्नोर मार दे रहा हूँ, और मैं बोल रहा हूँ हटाओ इसको, इसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे वोकैबलरी में ये वर्ड है ही नहीं। सो आउट ऑफ वोकैबलरी प्रॉब्लम अभी भी है, इट्स जस्ट कि अब वो एरर थ्रो नहीं करेगा, बट जो इंफॉर्मेशन मुझे मिल सकता था मैं उसके ऊपर काम नहीं कर रहा, ठीक है। द थर्ड प्रॉब्लम इज कि इंग्लिश जब आप लिखते हो तो आप लेफ्ट से राइट लिखते हो, हेलो हाउ आर यू। सो एक ऑर्डरिंग होता है वर्ड्स का, ठीक है। अगर आप इन वर्ड्स का ऑर्डर चेंज कर दो तो मीनिंग भी चेंज हो जाता है,
राइट, या फिर मीनिंग खराब हो जाता है। तो हम जब बैग ऑफ वर्ड्स यूज करते हैं तो हम ऑर्डरिंग को भूल जाते हैं, हम कंसिडर नहीं करते कि कौन सा वर्ड किसके बाद आ रहा है, हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता, हमारा लॉजिक इस चीज पे फोकस नहीं करता। बट अगेन इंग्लिश में या फिर और लैंग्वेजेस में भी दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू कन्वे मीनिंग, राइट। सो हम अगर ऑर्डरिंग को इग्नोर मार रहे हैं तो मीनिंग समझने के प्रोसेस में हम एक गलती कर रहे हैं, ठीक है। एंड दैट इज अ बिग डिसएडवांटेज, एंड दैट इज वाई कुछ डीप लर्निंग टेक्निक्स बैग ऑफ वर्ड्स अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, क्योंकि वो लोग इस ऑर्डरिंग को भी समझने का ट्राई करते हैं, जैसे कि आरएनएन हुए या फिर एलएसटीएम हुए, ये डीप लर्निंग आर्किटेक्चर्स हैं जो इस ऑर्डर को भी पकड़ के याद रखते हैं कि कौन सा वर्ड किसके बाद आया। सिंस हम ये चीज कंसिडर नहीं कर रहे, हम परफेक्टली इसका मीनिंग नहीं समझ सकते, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ऑर्डरिंग इज एन इशू, इनफैक्ट नॉट कंसिडरिंग ऑर्डरिंग इज एन इशू, ठीक है। नंबर फोर, नंबर फोर बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है कि लेट्स से मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूँ। एक सेंटेंस है, दिस इज अ वेरी गुड मूवी। मान लो ये मेरा एक सेंटेंस है और दूसरा सेंटेंस है, दिस इज नॉट अ वेरी गुड मूवी। अब अगर आप इन दो सेंटेंसेस को देखो और बैग ऑफ वर्ड्स का लॉजिक अप्लाई करो, तो बैग ऑफ वर्ड्स के लॉजिक के हिसाब से, सिंस ज्यादातर वर्ड, इनफैक्ट ये नॉट बस एक्स्ट्रा है, बाकी सारे के सारे वर्ड्स दोनों सेंटेंसेस में अकर कर रहे हैं और उनका फ्रीक्वेंसी भी सिमिलर टाइप का ही है, तो बैग ऑफ वर्ड्स के लॉजिक से ये दोनों वेक्टर्स शुड बी वेरी क्लोज, विच मीन्स इन दोनों का मीनिंग भी शुड बी वेरी क्लोज। बट क्या ऐसा है? नहीं, इस नॉट के आ जाने से मीनिंग कंप्लीटली ऑपोजिट हो गया, ये दोनों सेंटेंसेस बिल्कुल ऑपोजिट सेंटिमेंट कन्वे कर रहे हैं। बट इस तरीके से हमने बैग ऑफ वर्ड्स को यूज किया है, या बैग ऑफ वर्ड्स का लॉजिक ऐसा है कि वो इन दोनों सेंटेंसेस को बहुत पास रखेगा, वो समझेगा कि ये दोनों बहुत सिमिलर हैं, दे आर नेबर्स, एंड हेंस इन दोनों का मीनिंग भी सेम होना चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि आप थोड़े से चेंजेस में, जब बड़े चेंजेस आ जाते हैं सेंटेंसेस में, बैग ऑफ वर्ड्स उसको कैप्चर नहीं कर पाता, ठीक है। और इसी प्रॉब्लम को हैंडल करता है हमारा नेक्स्ट टेक्निक जिसको हम पढ़ेंगे और जिसका नाम है एनग्राम्स, ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। सो दैट्स इट फॉर बैग ऑफ वर्ड्स, आई होप आपको ये पूरा टेक्निक सही से समझ में आ गया। सो गाइज, अब हम लोग डिस्कस करेंगे एनग्राम्स, बाईग्राम्स, यूनिग्राम्स, ट्राईग्राम्स, या फिर आप इसको बोलते हो बैग ऑफ एनग्राम्स। ये जो टेक्निक हम पढ़ने वाले हैं इसको हम बोलते हैं बैग ऑफ एनग्राम्स। अब एनग्राम्स के बदले आप बाईग्राम्स ले सकते हो, ट्राईग्राम्स ले सकते हो, यूनिग्राम्स ले सकते हो, एंड दिस टेक्निक इज क्वाइट सिमिलर टू बैग ऑफ वर्ड्स जो आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। अब अभी तक आपने जो भी टेक्निक्स पढ़ी, वन नॉट इनकोडिंग हुआ या फिर बैग ऑफ वर्ड्स हुआ, उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, हमारा जो वोकैबुलरी था वो सिंगल वर्ड से बनता था, सिंगल वर्ड से बनता था। और सिंगल वर्ड वोकैबुलरी बनाने से क्या प्रॉब्लम हो रहा था कि किसी भी सेंटेंस में जो ऑर्डरिंग है वर्ड्स का वो हम यूज नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि किसी भी ऑर्डर में आप वोकैबुलरी को यूज कर रहे थे तो यहाँ पे जो ऑर्डरिंग है सेंटेंस में इसका कोई मीनिंग नहीं रह जा रहा था, या फिर सेंटेंस में अगर कोई फ्रेज है जिसका कुछ स्पेसिफिक मीनिंग है उसको हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे। सो एनग्राम्स जो टेक्निक है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। सो एनग्राम्स वाली टेक्निक में आप क्या करते हो कि रादर देन टेकिंग अ सिंगल वर्ड इन वोकैबुलरी, आप मल्टीपल वर्ड्स का कॉम्बिनेशन को वोकैबुलरी बनाते हो। जैसे अगर आप बाइग्राम बना रहे हो, लेट्स से एनग्राम के अंदर अगर आप बाइग्राम बना रहे हो, तो रादर देन टेकिंग वन वर्ड लाइक पीपल, यू विल टेक टू वर्ड्स लाइक पीपल वॉच। सिमिलरली अगर आप ट्राइग्राम बना रहे हो, इन दैट केस एक सिंगल वर्ड लेने के बदले आप तीन कंटिग्यूअस वर्ड्स लोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ड्स एक दूसरे के बाद आने चाहिए, तो ये ट्राइग्राम हुआ। सिमिलरली आप क्वाडग्राम ले सकते हो, आप एनग्राम तक ले सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। तो अब पहले मैं समझाऊंगा कि इसको करना कैसे है, फिर मैं आपको कोड में दिखाऊंगा
और फिर मैं आपको इसका बेनिफिट बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम सॉल्व होती है, ठीक है। तो जैसे कि यही हमारे पास, मान लो हमारे पास ये डेटा है, हमें क्या करना है, हमें लेट्स से बैग ऑफ बाईग्राम बनाना है। वी आर गोइंग टू क्रिएट बैग ऑफ बाईग्राम, मतलब हमारा जो वोकैबुलरी होगा उसमें हर जो टोकन है वो दो वर्ड से मिलके बनेगा, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे हम लोग, हमें वोकैबुलरी बनाना है सबसे पहले, तो मैं यहाँ पे वोकैबुलरी बना रहा हूँ। सो पहला सेंटेंस पर अगर आप फोकस करो तो इन दोनों को मिला के आपका पहला वर्ड बनेगा, पीपल वॉच, ये हमारा पहला वर्ड है। उसके बाद वॉच कैंपस एक्स, ये हमारा दूसरा वर्ड है। अब ये सेंटेंस खत्म हो गया, अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब यहां पे पहला कॉम्बिनेशन है कैंपस एक्स वॉच, उसके बाद अगला है वॉच कैंपस एक्स, बट वॉच कैंपस एक्स ऑलरेडी यहां पे था तो हम उसको लिखेंगे नहीं। उसके बाद आएगा पीपल राइट, उसके बाद आएगा राइट कमेंट, उसके बाद ये सेंटेंस भी खत्म हो गया। अब फिर आएगा कैंपस एक्स राइट, उसके बाद आएगा राइट कमेंट, बट राइट कमेंट हमने ऑलरेडी यहां पे लिखा हुआ है तो दोबारा नहीं लिखेंगे। एंड दैट्स इट गाइस, ये रही हमारी वोकैबुलरी फॉर दिस कॉर्पस, ठीक है। टोटल मिला के कितने अपने पास टोकेंस हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यहां पर 5 थे, अब यहां पे जो वोकैबुलरी है वो 6 डायमेंशन में है, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, मान लो अब हमें सारे के सारे सेंटेंसेस को, मान लो अब हमें वेक्टर में कन्वर्ट करना है, तो हम ऐसे लिखेंगे। देखो सो फर्स्ट सेंटेंस को अगर हम पिक करें तो पीपल वॉच उसमें आता है, वॉच कैंपस एक्स उसमें आता है, कैंपस एक्स वॉच उसमें नहीं आता है, पीपल राइट नहीं आता है, राइट कमेंट नहीं आता है, कैंपस एक्स राइट नहीं आता है। ये है मेरा D1, दिस इज माई D1, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं D2 का, तो D2 में पीपल वॉच नहीं आता, वॉच कैंपस एक्स आता है, कैंपस एक्स वॉच आता है 0 0 0। उसके बाद आएगा D3, D3 में पीपल राइट सॉरी पीपल वॉच नहीं आता, वॉच कैंपस एक्स नहीं आता, कैंपस एक्स वॉच नहीं आता, पीपल राइट आता है, राइट कमेंट आता है, कैंपस एक्स राइट नहीं आता है। और सिमिलरली D4 में आपका कैंपस एक्स में ये नहीं आता, ये भी नहीं आता, कैंपस एक्स राइट आता है और राइट कमेंट आता है। एंड दैट इज हाउ यू वुड रिप्रेजेंट दिस टेक्स्ट इनटू बैग ऑफ बाईग्राम्स, ठीक है। अब मैं जल्दी से आपको बैग ऑफ ट्राईग्राम्स भी एक बार बना के दिखा देता हूँ, सो दैट आपको कंफ्यूजन ना रहे। सो आई विल जस्ट कॉपी दिस, क्योंकि हम नीचे जा रहे हैं, कॉपी पेस्ट, ठीक है। सबसे पहले हम लोग वोकैबुलरी बिल्ड करेंगे। सो सबसे पहले वोकैबुलरी में ये तीनों सेंटेंसेस साथ में आ जाएंगे, पीपल वॉच कैंपस एक्स, सेकेंड आ जाएगा कैंपस एक्स वॉच। बेसिकली ये पूरा का पूरा सेंटेंस, हर सेंटेंस एक वोकैबुलरी बन जाएगा लाइक दिस। अब अगर आपको पहले वाले सेंटेंस को रिप्रेजेंट करना होगा वो होगा 1 0 0 0, दूसरे वाले को करना होगा वो ऐसे होगा, तीसरे वाले को करना होगा वो ऐसे होगा, और लास्ट वाले को करना होगा वो ऐसे होगा। अब अगर आपको कोई बोले कि क्वाड्रग्राम बनाओ इस डेटा के ऊपर, तो वो नहीं बन सकता, बिकॉज किसी भी सेंटेंस में, किसी भी डॉक्यूमेंट में आपके 3 से ज्यादा वर्ड्स नहीं है तो एरर थ्रो हो जाएगा। बट ऑब्वियसली जब आप रियल वर्ल्ड डेटा पे काम करोगे वहां पे आप क्वाड्रग्राम पेंटाग्राम भी बना सकते हो, बट या दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ एनग्राम्स, दैट इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। अब मैं आपको जल्दी से एक बार कोड में दिखा देता हूँ कि ये पूरी चीज कैसे काम कर रही है, और फिर हम लोग पढ़ेंगे कि क्यों फायदा देती है ये वाली टेक्निक। तो ये सेम डेटा है, एक बार मैं इसको फिर से रन कर ले रहा हूं।
दिस इज द डेटा सेट जिसके ऊपर हम अभी काम कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे जाओ तो इस जगह पर आपको मिलेगा एक पैरामीटर एनग्राम रेंज बोल के, और यहाँ पर आपको एक टपल प्रोवाइड करना है जिसमें डिफॉल्ट 1 1 है। 1 1 का मतलब है यूनीग्राम, ठीक है। यूनीग्राम का मतलब एक बार में एक ही वर्ड लिया जाएगा, बेसिकली ये वाला केस एक्चुअली यूनीग्राम का केस है। सो इन अ वे आप बोल सकते हो कि जो बैग ऑफ वर्ड्स आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ये वाला, ये एक्चुअली एक स्पेशल केस है बैग ऑफ एन ग्राम्स का, जहां पे एन ग्राम्स का वैल्यू है यूनीग्राम, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि बैग ऑफ वर्ड्स कुछ अलग चीज नहीं है, बैग ऑफ वर्ड्स बैग ऑफ एन ग्राम्स के अंदर ही आता है। जब आप एन ग्राम्स का वैल्यू यूनीग्राम ले लेते हो, मतलब एक बार में एक ही वर्ड को पकड़ रहे हो, तो वो बैग ऑफ वर्ड्स बन जाएगा। दो को पकड़ रहे हो तो बैग ऑफ बाईग्राम बन जाएगा, तीन को पकड़ रहे हो तो बैग ऑफ ट्राईग्राम बन जाएगा, ठीक है। तो जब 1 1 है तो आप ये बोल रहे हो कि भैया मुझे हर वर्ड को टोकन बनाना है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप जाओ तो आप पढ़ सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल एन एनग्राम रेंज ऑफ 1 1 मीन्स ओनली यूनिग्राम, बट अगर आप 2 2 लिखो तो इसका मतलब है बाईग्राम्स, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे आपको जाना है और लिखना है एन ग्राम रेंज, मान लो आपने लिखा 2,2 और अब आपने फिट करवा दिया। सो ये था यूनिग्राम वाला केस, और अब आप इसको जैसे ही रन करोगे, देखो आपको एग्जैक्टली वही चीजें मिल रही है, पीपल वॉच वॉच कैंपस एक्स वॉच पीपल राइट राइट कमेंट कैंपस एक्स राइट, ये एग्जैक्टली वही चीजें हैं जो हमने यहाँ पे देखी, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे 1 2 लिख दो तो इस केस में क्या होगा कि आपकी जो वोकैबुलरी होगी वो दोनों चीजों से मिलके बनेगी, मतलब उसमें यूनिग्राम्स भी होंगे और बाईग्राम्स भी होंगे, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा 11, 6 यहाँ पर है और 5 आपके यूनिग्राम्स हो जाएंगे। सो बेसिकली पीपल वॉच कैंपस एक्स राइट और कमेंट रहेगा और फिर आपका ये भी हो जाएगा, तो टोटल मिला के आपके पास 11 हो जाएंगे। आई विल शो यू। सो अगर आप इसको रन करते हो, ये देखो अब टोटल मिला के अपने पास लास्ट वाला इज 10, तो 0 से स्टार्ट हुआ है तो 11 हो गया, आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे 3 3 करो तो आपके पास 4 वोकैबुलरी में टर्म्स होंगे, हर सेंटेंस एक टर्म बन जाएगा, ठीक है। अगर आप 4 4 करो तो एरर थ्रो होगा क्योंकि किसी भी सेंटेंस में 4 वर्ड्स नहीं है, देखो बोल रहा है एम्प्टी वोकैबलरी, वोकैबलरी फॉर्म ही नहीं हो पाई, ठीक है। अगर आप 1 से लेके 3 करो तो आपके यूनिग्राम्स भी होंगे, बाईग्राम्स भी होंगे, ट्राईग्राम्स भी होंगे, तो 5 प्लस 6 प्लस 4, ठीक है, तो आपके पास टोटल 15 होगा शायद। अगर आप इसका लेंथ निकालो, सिंस इट्स अ डिक्शनरी, अच्छा यहाँ पे मैंने 1 2 लिख दिया, सॉरी यहाँ पे 1 3 होगा, 15, ठीक है, 5 प्लस 6 प्लस 4। अगर आप देख लो तो यहाँ पे आपके सारे के सारे वोकैबलरी वाले टर्म्स हैं, ठीक है, दीज आर ऑल द टर्म्स। सो दैट्स इट, आई गेस आपको समझ में आ रहा है, बाकी आप आगे चला के देख सकते हो खुद ही। अब वी शुड डिस्कस कि फायदा क्या है बाईग्राम्स ट्राईग्राम्स एनग्राम्स यूज करने का, फायदा क्या है, ठीक है। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। सो एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है, मान लो हमारे पास 2 सेंटेंसेस हैं, एक सेंटेंस है दिस मूवी इज वेरी गुड, और सेकेंड सेंटेंस है दिस मूवी इज नॉट गुड, ठीक है। थोड़ी देर के लिए हम अजम्पशन ले रहे हैं कि हम स्टॉप वर्ड्स को नहीं हटा रहे, स्टॉप वर्ड्स को भी हम यूज करेंगे, ऑल दो स्टॉप वर्ड्स को हटाना होता है, बट हम स्टॉप वर्ड्स को नहीं हटा रहे। अब अगर आप इन 2 सेंटेंसेस को देखो या इन 2 डॉक्यूमेंट्स को देखो तो यू वुड सी कि ये बहुत अलग है, इन दोनों का मीनिंग कंप्लीटली ऑपोजिट है। बट अगर आप यहाँ पे बैग ऑफ वर्ड्स यूज करते हो या फिर यूनिग्राम अप्रोच यूज करते हो तो देखो क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी वोकैबुलरी क्या होगी यूनिग्राम के केस में, बैग ऑफ वर्ड्स के केस में आपकी वोकैबुलरी ये होगी, ध्यान से देखना।
आपकी वोकैबुलरी होगी दिस मूवी इज वेरी गुड एंड नॉट, यही आपकी वोकैबुलरी होगी। अगर आपको डॉक्यूमेंट वन को रिप्रेजेंट करना है तो वो होगा वन 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 एंड जीरो। अगर आपको डॉक्यूमेंट टू को रिप्रेजेंट करना है तो वो होगा वन 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 जीरो वन वन। तो अब अगर आप देखो ये दोनों वेक्टर्स हैं, ये दोनों वेक्टर्स हैं, ये भी वेक्टर है ये भी वेक्टर है इन अ सिक्स डायमेंशनल स्पेस। लेकिन अगर आप नोटिस करो तो फाइव डायमेंशन एक्चुअली फोर डायमेंशन में सेम वैल्यू है, सिर्फ इन दो डायमेंशन में वैल्यू अलग है। तो इन अ वे मैं बस ये बोलना चाह रहा हूं कि आप ऐसे समझ सकते हो कि ये दोनों वेक्टर्स ज्यादा दूर नहीं हो पाए जब आपने यूनिग्राम अप्रोच यूज किया। बट जब आप बाईग्राम अप्रोच यूज करोगे या फिर ट्राईग्राम अप्रोच यूज करोगे, यू वुड सी कि ये वेक्टर्स थोड़े और दूर चले जाएंगे जो हमें चाहिए। ठीक है, लेट मी शो यू। मैं एक काम करता हूं, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसको पहले कट करता हूं। और यहां लेके आता हूं। और अब मैं क्या करता हूं, बाईग्राम अप्रोच लगाता हूं। तो बाईग्राम अप्रोच लगाने पे अपना पहला वोकैबुलरी में आएगा दिस मूवी, पहला आएगा दिस मूवी, दूसरा आएगा मूवी इज, उसके बाद आएगा इज वेरी, और उसके बाद आएगा वेरी गुड। ठीक है, उसके बाद यहां से फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, दिस मूवी नहीं आएगा, मूवी इज नहीं आएगा, इज नॉट आएगा, इज नॉट नया है, इज नॉट, और फिर नॉट गुड भी आएगा क्योंकि ये भी नया है। अब ये कितने डायमेंशन का वेक्टर हो गया, एक दो तीन चार पांच छह ही डायमेंशन का है अभी भी। ठीक है, अब हम लोग फिल करते हैं पहला वाला सेंटेंस। सो दिस मूवी आ रहा है, मूवी इज आ रहा है, इज वेरी आ रहा है, वेरी गुड आ रहा है, इज नॉट नहीं आ रहा, नॉट गुड नहीं आ रहा। ठीक है, अब सेकेंड सेंटेंस पे फोकस करते हैं, दिस मूवी आ रहा है, मूवी इज आ रहा है, इज वेरी नहीं आ रहा, वेरी गुड नहीं आ रहा, इज नॉट आ रहा है, नॉट गुड भी आ रहा है। ठीक है, अब इस सिक्स डायमेंशनल स्पेस में यू वुड सी कि आपके चार डायमेंशन में, इन चार डायमेंशन में वैल्यूज अलग है, राइट right? यहां पे सिर्फ दो जगहों पे ऐसा हो रहा था, सो सिक्स में अब चार में डिफरेंट है। इसका मतलब ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे से दूर चले गए जो यहां पर नहीं हो रहा था, और हमें यही तो चाहिए था कि ये दोनों वेक्टर्स दूर होने चाहिए। और ये क्यों हो पाया, क्योंकि हम फ्रेजेस को ले रहे थे, दो दो के कॉम्बिनेशन में ले रहे थे, जिसकी वजह से हम इसको कैप्चर कर पाए और इसको भी कैप्चर कर पाए। ठीक है, जिसकी वजह से अब ये दोनों सेंटेंसेस का जो सिमेंटिक मीनिंग है वो हम थोड़ा बेटर कैप्चर कर पा रहे हैं। अगर आप ट्राइग्राम यूज करोगे और बड़े सेंटेंसेस पे तो यू वुड सी कि इस तरह का सिमेंटिक मीनिंग आप और कैप्चर कर पा रहे हो, और फिर ये दोनों सेंटेंसेस दूर दिखाई देंगे। ठीक है, एंड दैट इज द मेन बेनिफिट। आई होप मैं आपको इंट्यूशन दे पाया कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, सो अब ये सारा डिस्कशन अगर हमें समझ में आ गया तो नाउ लेट्स डिस्कस कि वॉट आर द बेनिफिट्स एंड वॉट आर द डिसएडवांटेजेस। ठीक है, लेट्स फर्स्ट डिस्कस बेनिफिट्स। सी, बेनिफिट्स तो क्लियरली सबसे पहला ये है कि एबल टू कैप्चर सिमेंटिक मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, मतलब सेंटेंस में जो मीनिंग छुपा हुआ है उसको थोड़ा बेटर आप समझ पा रहे हो यूजिंग एनग्राम्स। ठीक है, यही सबसे बड़ा बेनिफिट है, बाकी सब कुछ तो बहुत ही सिमिलर है, इंट्यूटिव है ये भी और इजी टू इम्प्लीमेंट है, ये सब तो है ही, इजी टू इम्प्लीमेंट और इंट्यूटिव टू अंडरस्टैंड, ये तो बेनिफिट्स हैं ही। अब अगर आप डिसएडवांटेजेस का बात करो तो सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है कि अगर आप एक बड़े टेक्स्ट का बात करो, इफ यू टॉक अबाउट अ लार्ज डेटा सेट, यू वुड नोटिस कि
आपका यूनिग्राम्स एज इन सिंगल वर्ड पकड़ के जब आप वोकैबुलरी बनाते हो, तो नंबर ऑफ टोकन्स या नंबर ऑफ टर्म्स इन योर वोकैबुलरी वुड बी लेस देन जब आप बाईग्राम से बनाते हो। और ये मैंने आपको दिखाया भी था, यहां पर देखो, जब आप सिंगल से बना रहे थे तो 5 था, बट जब आपने डबल से बनाया तो 6 हो गया। और ये आप नोटिस करोगे कि जैसे जैसे आप ये बढ़ाते जाओगे, बाईग्राम से ट्राईग्राम पे जाओगे, तो आपका जो डायमेंशनैलिटी ऑफ द वोकैबुलरी है, जो आपके वोकैबुलरी का डायमेंशन है, इट इंक्रीजेस। और इसके बढ़ने से क्या होगा, आपका कंप्यूटेशन में ज्यादा टाइम लगेगा, मॉडल ट्रेनिंग में ज्यादा टाइम लगेगा, प्रिडिक्शन में ज्यादा टाइम लगेगा। सो ओवरऑल जैसे जैसे आप ये बढ़ा रहे हो, आपका जो क्या बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, मॉडल स्लो हो रहा है। दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम, ऐसे लिख सकते हैं, स्लोस डाउन द एल्गो बिकॉज नंबर ऑफ फीचर्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। सेकेंड प्रॉब्लम इज, यहां भी आउट ऑफ वोकैबुलरी टर्म्स के लिए कोई सोल्यूशन नहीं है। कल को अगर कोई नया सेंटेंस आ जाएगा प्रिडिक्शन के टाइम, हमारे पास उसको इग्नोर करने के अलावा और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। सो दैट इज स्टिल अ प्रॉब्लम, जैसा बैग ऑफ वर्ड्स में था बिल्कुल वैसा ही आपका एनग्राम्स में वो प्रॉब्लम अभी भी चल रहा है, ठीक है। सो दैट्स इट, ये यही आपको समझाना था। आई होप आपको ये पूरी चीज समझ में आ गई, एनग्राम्स क्या होते हैं, यूनिग्राम्स, बाईग्राम्स, ट्राईग्राम्स क्या होते हैं, उनको कैसे यूज करना है, ये सब आपको समझ में आ गया। तो गाइज, अभी तक हमने 3 टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन टेक्निक्स पढ़ी। सबसे पहले हमने पढ़ा वन हॉट इनकोडिंग, उसके बाद हमने पढ़ा बैग ऑफ वर्ड्स, और उसके बाद हमने पढ़ा बैग ऑफ एनग्राम्स, ठीक है। अब इन तीनों टेक्निक्स में अगर आपने नोटिस किया होगा, तो हमारा जो वर्ड होता है या सिंगल टोकन होता है, उसका इम्पोर्टेंस बराबर होता है। मतलब पीपल, जैसे अगर आप इस सेंटेंस का बात करो, तो इस सेंटेंस में पीपल भी आ रहा है, वॉच भी आ रहा है, कैंपस एक्स भी आ रहा है, इसलिए यहाँ पर वन वन और वन है, और बाकी दोनों नहीं आ रहा है, इसलिए 0 0 है। बट पीपल के आने से इसको वन मिल रहा है, वॉच के आने से इसको वन मिल रहा है, कैंपस एक्स के आने से भी वन मिल रहा है। इट मीन्स इन तीनों वर्ड्स का जो वेटेज है, जो वैल्यू है, वो बराबर है, ठीक है। जो TF IDF हम पढ़ने वाले हैं वो ये नहीं करता, वो क्या करता है कि वो अलग अलग वर्ड्स को अलग अलग वैल्यू असाइन करता है, ठीक है। अब आप सोचोगे कि किसको ज्यादा वैल्यू असाइन करना है, किसको कम वैल्यू असाइन करना है, ये कैसे पता चलेगा। सो TF IDF एक लॉजिक लगाता है, मैं लॉजिक आपको समझाता हूँ। लॉजिक बड़ा सिंपल सा है, लॉजिक ये है कि अगर कोई वर्ड किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में बहुत बार आ रहा है बट पूरे के पूरे कॉर्पस में बहुत रेयर है, ध्यान से सुनना, कोई वर्ड एक सिंगल डॉक्यूमेंट या एक सिंगल सेंटेंस में बहुत बार आ रहा है बट बाकी के सेंटेंसेस या फिर कॉर्पस आप बोल सकते हो उसमें बहुत रेयरली आ रहा है, तो फिर ये जो वर्ड है वॉच, ये इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट D1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस वर्ड को बाकी के दोनों वर्ड्स के कंपैरिजन में ज्यादा स्कोर दोगे। दैट इज द होल आइडिया, कि अगर कोई वर्ड एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में ज्यादा आ रहा है बट बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स में उतना नहीं आ रहा, इट मीन्स उस वर्ड का वैल्यू डॉक्यूमेंट के लिए बहुत ज्यादा है, एंड दैट इज वाई उसको हायर वैल्यू मिलना चाहिए बाकी के वर्ड से, जैसे कि यहाँ पीपल और कैंपस एक्स है, ठीक है। सो दैट इज द कोर आइडिया। अब ये जो वैल्यू है, ये निकालने के लिए दो टर्म्स यूज किए जाते हैं। एक होता है TF, जिसको बोलते हैं टर्म फ्रीक्वेंसी, और दूसरा होता है IDF, जिसको हम बोलते हैं इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। तो किसी भी वर्ड का वेटेज कितना होगा वो निकालने के लिए आपको टर्म फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा उस वर्ड का,
और इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी निकालना होगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, मैं सब कुछ अभी बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा, अभी बस मैंने आपको एक कोर आइडिया दिया। फर्स्ट कि टीएफ आईडीएफ बाकी सबसे डिफरेंट क्यों है, क्योंकि ये सभी वर्ड्स को अलग वेटेज असाइन करता है। वेटेज असाइन करने का लॉजिक बहुत सिंपल है कि आप उन वर्ड्स को ज्यादा वेटेज देते हो जो डॉक्यूमेंट में ज्यादा है बट पूरे कॉर्पस में कम है। ठीक है, दैट्स द होल आइडिया। और ये कैलकुलेट होता है यूजिंग टू टर्म्स, TF and IDF. अब TF क्या है, कैसे कैलकुलेट होता है, IDF क्या है, कैसे कैलकुलेट होता है, और इस पूरी चीज को कैसे करना है वो मैं आपको बहुत आराम से समझाता हूँ। सो गाइज, हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि TF कैसे निकाला जाता है, टर्म फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाती है। ठीक है, सो ये TF एज इन टर्म फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। सो फॉर एनी गिवन डॉक्यूमेंट, अगर आपको किसी भी वर्ड का या किसी भी टर्म का टर्म फ्रीक्वेंसी निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ द टर्म टी इन डॉक्यूमेंट डी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन डॉक्यूमेंट डी। मान लो हम इस डॉक्यूमेंट पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है, और हम पीपल वाले टर्म या वर्ड पे फोकस कर रहे हैं, हमें निकालना है टी एफ ऑफ पीपल इन डॉक्यूमेंट वन। कैसे निकलेगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि पीपल इस डॉक्यूमेंट में कितनी बार आया, एक बार आया, डिवाइडेड बाय टोटल कितने टर्म्स हैं, टोटल कितने वर्ड्स हैं, थ्री। तो ये हो गया पीपल का डी वन में टर्म फ्रीक्वेंसी। ठीक है, लेट्स से अगर मुझे कैंपस एक्स का डॉक्यूमेंट टू में निकालना है तो टर्म फ्रीक्वेंसी ऑफ कैंपस एक्स इन डॉक्यूमेंट टू, टोटल कितनी बार कैंपस एक्स आया है, दो बार, और टोटल कितने वर्ड्स हैं, थ्री। तो ये है आपका टर्म फ्रीक्वेंसी ऑफ अ टर्म इन अ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। अब अगर आप ये फॉर्मूला देखो तो जो आपका टर्म फ्रीक्वेंसी है किसी भी टर्म का किसी भी डॉक्यूमेंट में वो हमेशा जीरो से वन के बीच में ही रहेगा, सोचिए देख लो। तो दैट इज वाई आप इसको प्रोबेबिलिटी की तरह भी ले सकते हो, मतलब जितना ज्यादा है टर्म फ्रीक्वेंसी उस वर्ड का उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में होने का प्रोबेबिलिटी उतना ज्यादा है। सो टर्म फ्रीक्वेंसी क्या बताता है कि कोई एक पर्टिकुलर वर्ड किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में कितने फ्रीक्वेंटली आता है या उसका प्रोबेबिलिटी कितना है एग्जिस्ट करने का। अगर टर्म फ्रीक्वेंसी ज्यादा मतलब वो पर्टिकुलर टर्म उस डॉक्यूमेंट में फ्रीक्वेंटली आया, अगर टर्म फ्रीक्वेंसी कम तो वो पर्टिकुलर टर्म उस डॉक्यूमेंट में रेयर है, कम आया। ठीक है, सो ये हो गया टर्म फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट इज इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है लॉग ऑफ टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन द कॉर्पस, जैसे हमारे केस में टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स है फोर, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स विथ टर्म टी इन देम। तो समझने का ट्राई करना, लेट्स से मुझे आईडीएफ कैलकुलेट करना है कैंपस एक्स का, तो ये निकलेगा बाय लॉग फोर डिवाइडेड बाय इन चारों डॉक्यूमेंट्स में कितने डॉक्यूमेंट्स में कैंपस एक्स वर्ड आता है, इसमें आता है, इसमें आता है, इसमें नहीं आता है और इसमें आता है, तो हो जाएगा 4/3। तो इस पूरे कॉर्पस में कैंपस एक्स का आईडीएफ इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी विल बी दिस लॉग 4/3। ठीक है, यहां पर आप हर वर्ड का तुरंत तुरंत निकाल सकते हो, जैसे पीपल का अगर आपको निकालना है इस कॉर्पस में तो वो हो जाएगा लॉग 4 डिवाइडेड बाय पीपल, इसमें आता है, इसमें नहीं आता, इसमें आता है, 4/2। ठीक है, सिमिलरली वॉच का हो जाएगा लॉग 4/2, कैंपस एक्स का हो जाएगा लॉग 4/3, राइट का हो जाएगा लॉग 4/2 और कमेंट का हो जाएगा लॉग 4/2। ठीक है, सो ये हो गया हमारा इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। अब इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले को अगर आप देखो तो आपको समझ में आएगा कि ये बता रहा है कि आपका जो टर्म है वो आपके डॉक्यूमेंट में कितना रेयर है या कितना कॉमन है।
ठीक है, सोच के देखो, ये ऊपर वाला टर्म तो फिक्स रहेगा कि टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स कितने हैं। अब सोचो, मान लो आपके पास कोई ऐसा टर्म है जो हर डॉक्यूमेंट में आता है, हर सेंटेंस में आता है, तो फिर क्या होगा कि आपका नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो बढ़ जाएगा, और इनफैक्ट ये लॉग ई और अंदर वन हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली जीरो हो जाएगा। सो अगर कोई वर्ड सारे डॉक्यूमेंट्स में आ रहा है तो उसका आईडीएफ विल बी जीरो, ठीक है। और अगर कोई वर्ड मान लो सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट में आ रहा है तो उसका आईडीएफ विल बी हायर। सो द आइडिया इज वेरी सिंपल, अगर आपका जो वर्ड है, आपका जो टर्म है, वो बहुत फ्रीक्वेंट है आपके पूरे के पूरे कॉर्पस में, तो उसका आईडीएफ नीचे आ जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब आप उसको कम वैल्यू दोगे। और अगर आपका टर्म बहुत ही रेयर है, बहुत ही कम में आता है, तो फिर आपका आईडीएफ ऊपर चला जाएगा, ठीक है। सो जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि आप दो चीजों को मॉनिटर करोगे, फर्स्ट कि आपका टर्म आपके डॉक्यूमेंट में कितना फ्रीक्वेंट है, और सेकंड वही टर्म पूरे के पूरे कॉर्पस में कितना रेयर है, उस तरह के वर्ड्स को आप ज्यादा वैल्यू करते हो, ठीक है। सो दैट इज वाई यू मल्टीप्लाई टी एफ मल्टीप्लाइड बाय आई डी एफ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं आपको पूरे का पूरा जो डॉक्यूमेंट वन है, डॉक्यूमेंट वन का मैं आपको टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन या फिर बोल सकते हो वेक्टर बना के दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें पीपल का वैल्यू चाहिए फॉर डॉक्यूमेंट वन। सो पीपल का वैल्यू वुड बी टर्म फ्रीक्वेंसी ऑफ पीपल मल्टीप्लाइड बाय आईडीएफ ऑफ पीपल। सो आईडीएफ ऑफ पीपल तो मुझे पता है लॉग 4/2 है, और ये वैल्यू होती है आई गेस 4.3 होती है शायद, ठीक है, अभी मुझे पक्का नहीं पता, बट मान लेते हैं कि ये 4.3 हो गई। उसके बाद क्या निकालेंगे हम, पीपल का इस डॉक्यूमेंट में ये क्या है, टर्म फ्रीक्वेंसी, और टर्म फ्रीक्वेंसी क्या है, 1/3, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ इसको थोड़ा सा, ओके ये नहीं हो रहा है। उसके बाद मैं निकालूंगा वॉच, वॉच भी 0.3 हो जाएगा इसका आईडीएफ, और वॉच यहाँ पे भी हो जाएगा 1/3, ठीक है। कैंपस एक्स का लॉग 4/3 है, तो ये होता है 0.125 आईडीएफ, और इसका भी जो प्रोबेबिलिटी है एज इन टर्म फ्रीक्वेंसी है वो है 1/3। अब अगर आप राइट का बात करो तो राइट सिंस इस डॉक्यूमेंट में एग्जिस्ट ही नहीं करता तो ये जीरो हो जाएगा, और कमेंट भी एग्जिस्ट नहीं करता इसलिए जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप बात करो कैंपस एक्स, वॉच कैंपस एक्स का, तो यहाँ पे पीपल जीरो हो जाएगा, वॉच 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 0.3, कैंपस एक्स 2/3 क्योंकि दो बार आ रहा है, मल्टीप्लाइड बाय 0.125, राइट नहीं आ रहा जीरो, और कमेंट भी जीरो, ठीक है। थर्ड वाले डॉक्यूमेंट की अगर आप बात करो, पीपल है तो 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 0.3 इसका आईडीएफ, वॉच नहीं है, कैंपस एक्स नहीं है, राइट है तो 1/3 मल्टीप्लाइड बाय राइट का 0.3 आपका जो भी आईडीएफ है, कमेंट 1/3 टर्म फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय 0.3, और फिर आपका नेक्स्ट हो जाएगा लास्ट वाले का, कैंपस एक्स हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 0.125 आईडीएफ हो गया, वॉच जीरो, कैंपस एक्स का फिर से हो जाएगा, आई एम सॉरी मैंने गलत किया यहाँ पे, ये पीपल है तो पीपल के लिए ये जीरो हो जाना चाहिए, पीपल क्योंकि सेंटेंस में नहीं है, वॉच भी नहीं है, कैंपस एक्स हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 0.125, राइट के लिए 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 0.3, और कमेंट के लिए 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 0.3, और ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म, ठीक है। यही आपको निकालना होता है, ठीक है। सो अब मैं आपको ये थोड़ा सा कोड में करके दिखाता हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है। सो गाइज, इसका कोड इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत सिंपल है। ये रहा मेरा डेटा, सेम टू सेम जो मैंने आपको वहां पे दिखाया। इस बार हम जो क्लास यूज करेंगे वो काउंट वेक्टराइजर नहीं होगा, वो टी एफ आई डी एफ वेक्टराइजर होगा, ठीक है। सेम आपका एसक्यूएल फीचर एक्सट्रैक्शन डॉट टेक्स्ट में आपको ये क्लास मिल जाएगा।
आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इसका ऑब्जेक्ट बनाना है और उसके आगे का काम बहुत सिंपल है। आपको बेसिकली बस ऑब्जेक्ट डॉट फिट ट्रांसफॉर्म फंक्शन को कॉल करना है और अपने पूरे कॉलम को दे देना है, और सिंस वो स्पार्स मैट्रिक्स आपको रिटर्न करता है बाय डिफॉल्ट, आपको उसको एक्सप्लिसिटली नंपाई एरे में कन्वर्ट करने के लिए डॉट टू एरे कॉल करना होगा, ठीक है? एंड यू कैन सी दिस इज द आउटपुट। सो टोटल मिला के मेरा जो वोकैबुलरी है वो 5 टर्म्स से बना है, मैंने आपको दिखाया ही था। तो हर टर्म का TF IDF वैल्यू निकल गया। सो हर टर्म के लिए पहले टर्म फ्रीक्वेंसी निकला उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के लिए, और उसका मल्टीप्लीकेशन किया हमने फिर IDF वैल्यू से, और ऐसा हमने हर डॉक्यूमेंट के लिए किया। सो दिस इज द आउटपुट, ठीक है? 4x5 का हमें एक एरे मिल गया। अब अगर आपको IDF वैल्यूज चेक करनी है, क्योंकि IDF वैल्यूज कॉन्स्टेंट होती है हर टर्म की, टर्म फ्रीक्वेंसी चेंज होता रहता है डॉक्यूमेंट के हिसाब से, बट IDF कॉन्स्टेंट होता है, तो यू हैव टू जस्ट टाइप TF IDF.IDF_, ये देखो आपको ये सारा का सारा IDF वैल्यूज मिल गए फॉर ऑल ऑफ योर टर्म्स। ये आपकी पूरी वोकैबुलरी है, कैंपस एक्स कमेंट पीपल वॉच राइट। अब आप नोटिस करोगे कि हमने जो निकाला था उससे थोड़ा अलग है, इनफैक्ट थोड़ा ज्यादा है, और मुझे ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा। तो थोड़ा रिसर्च करने पे पता चला कि ये लोग एक थोड़ा डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन यूज करते हैं। जैसे इनका IDF कैलकुलेट करने का तरीका ये है, लॉग इतना हमने जो किया था वो ये लोग +1 ऐड कर देते हैं, दैट इज वाई इनका जो आउटपुट है ये थोड़ा बड़ा नंबर आ रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि ये लोग 1 ऐड क्यों करते हैं, इन्होंने जस्टिफाई किया उसको यहाँ पे, और उनका जस्टिफिकेशन ये है कि जस्ट वन सेकेंड, द इफेक्ट ऑफ एडिंग 1 टू द IDF इन इक्वेशन अबव इज दैट टर्म्स विद 0 IDF, दैट इज दोज टर्म्स दैट अकर इन ऑल डॉक्यूमेंट्स इन अ ट्रेनिंग सेट विल नॉट बी एंटायरली इग्नोर्ड। सो द आइडिया इज वेरी सिंपल। मैंने आपको क्या बताया था कि आपका IDF का वैल्यू कैसे निकलता है, IDF का वैल्यू होता है लॉग ऑफ टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो हमारे केस में 4 है, डिवाइडेड बाय जिस टर्म की बात आप कर रहे हो वो टर्म कितने डॉक्यूमेंट्स में आता है। अब मान लो कोई टर्म है जो चारों सेंटेंसेस चारों डॉक्यूमेंट में आता है, तो वो हो जाएगा 4x4 और ये हो जाएगा लॉग 1 मतलब 0। अब अगर IDF 0 है तो उसका TF से जब आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो वो भी 0 हो जाएगा, इसका मतलब उसका पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन ही इग्नोर हो गया, तो वो ना हो इसलिए ये लोग +1 कर देता है, ठीक है? यहाँ पे देखो वही लिखा हुआ है, नोट दैट द IDF फॉर्मूला अबव डिफर्स फ्रॉम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक नोटेशन दैट डिफाइंस द IDF एज दिस, ठीक है? सो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, आपको बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इन लोगों ने एक हल्का सा डिफरेंट इंप्लीमेंटेशन लिया है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है, ठीक है? अब एक इंटरव्यू क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि IDF कैलकुलेट करते टाइम आप लॉग क्यों लेते हो, जैसे टर्म फ्रीक्वेंसी में आपने कोई लॉग नहीं लिया बट आप IDF कैलकुलेट करते टाइम लॉग लेते हो, इसका क्या रीजन है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। सो गाइस लॉग का लॉजिक बहुत सिंपल है, ठीक है? अब देखो सिंपल फॉर्मूला ये हो सकता था कि हम सीधे n डिवाइडेड बाय लेट्स से स्मॉल n रख लेते फॉर्मूला, जहां पे कैपिटल n का मतलब है कि टोटल आपके पास कितने डॉक्यूमेंट्स हैं और स्मॉल n का मतलब है कि कितने डॉक्यूमेंट्स में हमारा वर्ड आता है। बट अगर ये फॉर्मूला लगते तो एक प्रॉब्लम हो सकता था, ठीक है? देखो एक सिचुएशन लेते हैं, मान लो हमारे पास 10,000 मूवी रिव्यूज हैं, 10,000 मूवी रिव्यूज हैं। अब मान लो हमारे पास एक वर्ड है द, अब द एक बहुत ही कॉमन वर्ड है और मान लो कि वो सारे रिव्यूज में आ रहा है। इन दैट केस आपका अगर आप सिंपल फॉर्मूला रखते तो द के लिए IDF हो जाता 1, बट जब आप लॉग लोगे, लॉग वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो अब IDF हो जाएगा 0, ठीक है? अब हम एक ऐसे वर्ड का एग्जांपल लेते हैं जो थोड़ा रेयर है, लेट्स से इनसाइक्लोपीडिया। मान लो एक वर्ड है इनसाइक्लोपीडिया जो सिर्फ एक ही रिव्यू में आया है, इन दैट केस गोइंग बाय दिस फॉर्मूला आपका IDF स्कोर हो जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि एक ही मूवी में आ रहा है, एक ही रिव्यू में आ रहा है। बट अगर आप लॉग लेते हो, मान लो लॉग बेस 10 लेते हो, तो ये वैल्यू होता 4, ठीक है? सो मैं बस ये बोल रहा हूं कि अगर आपके पास कोई ऐसा वर्ड है जो बहुत ही रेयर है तो उसके लिए IDF वैल्यू बहुत बढ़ जाएगा अगर आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है? अब ये अगर ये वैल्यू बढ़ जाए तो क्या प्रॉब्लम होगा,
क्योंकि प्रॉब्लम ये होगा कि इवेंचुअली आपको इसको टीएफ से मल्टीप्लाई करना है, आपको टीएफ आईडीएफ निकालना है, ठीक है। टीएफ का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा, ये आपको पता है। अब सोचो कि अगर आईडीएफ का वैल्यू 10,000 हो जाए, या फिर हु नोज हमारे पास 10,000 के बदले 1 लाख रिव्यू हो तो 1 लाख हो जाए, तो फिर ये वाला टर्म, आईडीएफ वाला टर्म डोमिनेट कर जाएगा टीएफ के ऊपर और टीएफ का कोई मतलब नहीं रहेगा। बट हमें दोनों का वैल्यू चाहिए, हमें टीएफ का भी वैल्यू चाहिए, हमें आईडीएफ का भी वैल्यू चाहिए, क्योंकि टीएफ क्या बताता है कि वो पर्टिकुलर टर्म उस डॉक्यूमेंट में कितना इंपॉर्टेंट है, और आईडीएफ क्या बताता है कि वो पर्टिकुलर टर्म टर्म पूरे के पूरे कॉर्पस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपका आईडीएफ एक बहुत बड़ा नंबर है और टर्म फ्रीक्वेंसी छोटा नंबर है, तो फिर आईडीएफ का ही वैल्यू समझ में आएगा, टीएफ का तो कोई वैल्यू समझ में ही नहीं आएगा। दैट इज वाई यू अप्लाई लॉग टू स्मूदन आउट दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, जहां पे कोई ऐसा वर्ड है जो बहुत रेयर है जिसकी वजह से ये नंबर बहुत बड़ा हो जाए, तो आप लॉग लगा के उसको नॉर्मलाइज करते हो। सो बेसिकली आप इस तरीके के सिचुएशन को ऐसे बना देते हो, ठीक है। सो ये क्या है कि बहुत फ्रीक्वेंट वर्ड्स जो हैं, और ये क्या है बहुत लेस फ्रीक्वेंट वर्ड्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली लॉग कन्वर्जन कर रहे हो आप, ठीक है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है, खास नहीं है यहाँ पे कुछ भी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। नाउ जस्ट लाइक अदर टेक्निक्स, यहाँ पे भी अगर हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज का बात करें, तो इफ यू टॉक अबाउट एडवांटेज, तो सबसे पहला एडवांटेज ये है कि ये टेक्निक इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम में बहुत यूज होता है। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम लाइक सर्च इंजन्स, तो सर्च इंजन क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर, जैसे सर्च इंजन गूगल है, तो आप उसमें कोई एक टर्म सर्च कर रहे हो, तो वो करोड़ों वेब पेजेस में जाके सर्च करता है कि कौन सा पेज आपको दिखाना चाहिए। अब वो कैसे डिसाइड करता है, टीएफ आईडीएफ टाइप के एल्गोरिदम को यूज करके, ठीक है। तो ये बहुत फायदेमंद है ये टेक्निक इन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, विच इज काइंड ऑफ अ सब ब्रांच ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अगर आप डिसएडवांटेजेस का बात करो, तो डिसएडवांटेजेस इसके भी वैसे ही हैं जैसे आपके बैग ऑफ वर्ड्स के थे। पहला, यहाँ भी स्पार्सिटी है, क्योंकि अगर आपका वोकैबलरी बहुत बड़ा है तो फिर आपको स्पार्स एरे मिलेगा जिसमें बहुत सारे जीरोज होंगे, ठीक है, ये आपको पता ही है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर भी आउट ऑफ वोकैबलरी प्रॉब्लम होता है। कल को जो प्रिडिक्शन आपको करना है उसमें कोई ऐसा वर्ड है जो आपकी वोकैबलरी में नहीं था, आपके पास कोई टेक्निक नहीं है उसको हैंडल करने के लिए, ठीक है। थर्ड, आपका डायमेंशन बहुत बड़ा हो जाता है। अगर आपका वोकैबलरी बड़ा है तो आपके एरेज का डायमेंशन बहुत बड़ा है, और वो सही चीज नहीं है, उससे आप मतलब ओवरफिटिंग वगैरह होने लग जाता है, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये सारे टेक्निक्स ठीक हैं, बट सारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते। ऑल्सो सेमांटिक रिलेशनशिप कैप्चर नहीं कर पाता, जैसे कि मान लो आपके पास दो सेंटेंस है, दिस इज ब्यूटिफुल, मान लो ये एक सेंटेंस है और दूसरा है दिस इज गॉर्जियस, ठीक है। तो अब ब्यूटिफुल और गॉर्जियस दो बहुत सिमिलर वर्ड्स हैं, बट ये सारे के सारे जो मॉडल्स हमने पढ़े, सारे के सारे जो टेक्निक्स हमने पढ़े, वो ब्यूटिफुल और गॉर्जियस को कंप्लीटली अलग तरीके से ट्रीट करेगा। सेमांटिक रिलेशनशिप कैप्चर नहीं कर पा रहा है इनमें से कोई भी टेक्निक, और वो आप पढ़ोगे जब हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, वहां पे वर्ड टू वेक बोल के हम एक टेक्निक पढ़ेंगे, वहां पर यू वुड सी कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको हम हैंडल कर पाएंगे, ठीक है। तो वो अगला वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वो आप जरूर देखना। बट या हमें इस वीडियो में जितने भी टेक्निक्स डिस्कस करने थे हमने कर लिए, अब बस एक लास्ट चीज बच गई है कि आप कस्टम फीचर्स कैसे बनाते हो वो देखना है। कस्टम फीचर्स कैसे बनाए जाते हैं वो हम नेक्स्ट देखेंगे। सो गाइज, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कस्टम फीचर्स क्या होते हैं। अब मैं आपको बहुत बेसिक एग्जांपल्स दूंगा, ऑनेस्टली जब आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाओगे किसी कंपनी के लिए, तो आप बहुत एडवांस लेवल पे काम करोगे। सो अभी तक हमने क्या सीखा कि हमें टेक्स्ट मिला हुआ है, जैसे हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, लेट्स से सेंटिमेंट एनालिसिस, रिव्यू पढ़ के पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हमारे पास एक टेक्स्ट है और हमें इसको नंबर्स में कन्वर्ट करना है, या फिर आप बोल सकते हो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के लिए फीचर्स बनाने हैं, ठीक है। और अभी हमने जो टेक्निक्स पढ़े, वन हॉट एनकोडिंग हुआ, बैग ऑफ वर्ड्स हुआ, वो सब हमें यही काम करके दे रहे हैं। बट कभी कभी क्या होगा कि आपको खुद के फीचर्स बनाने पड़ेंगे जिनको आप कस्टम फीचर्स बोलते हो, ठीक है। कस्टम फीचर्स
या फिर आप इसको हैंड क्राफ्टेड फीचर्स भी बोलते हो क्योंकि आप खुद से ये बना रहे हो। ठीक है, अब जैसे कि मैं एक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जैसे कि अगर आप सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए फीचर्स खुद से बना रहे हो तो एक फीचर हो सकता है नंबर ऑफ पॉजिटिव वर्ड्स इन द रिव्यू, एक हो सकता है नंबर ऑफ नेगेटिव वर्ड्स इन द रिव्यू, एक हो सकता है रेशियो ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्ड्स, ठीक है, और एक हो सकता है वर्ड काउंट, हो सकता है कि नेगेटिव रिव्यूज छोटे होते हैं पॉजिटिव रिव्यूज बड़े होते हैं, एक हो सकता है कैरेक्टर काउंट। सो आई थिंक यू गेट द आइडिया। आपको क्या करना होता है, आपको अपने डोमेन नॉलेज को लेके आना होता है और समझना होता है कि आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, और फिर उसके लिए आप कस्टम फीचर्स बनाते हो, आप सोचते हो कि किस तरह के फीचर्स मुझे आगे जाके हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत फ्रीक्वेंटली होता है, इनफैक्ट मोस्टली जब आप कोई कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट करते हो तो आप फीचर दो तरीके से बनाते हो, फर्स्ट जैसा हमने थोड़ी देर पहले सीखा अलग अलग टेक्निक्स यूज करके, और फिर सेकेंड खुद के कस्टम फीचर्स बनाते हो, और इन दोनों को मिला करके आप अपने मशीन लर्निंग मॉडल को देते हो, और इस तरह के फीचर्स को हाइब्रिड फीचर्स बोले जाता है। सो 99% टाइम्स जब आप कोई मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट करोगे एनएलपी के डोमेन में तो आप ये दोनों टेक्निक्स यूज करोगे। ठीक है, सो अभी मैं ज्यादा आपको खुल के नहीं समझा पा रहा बिकॉज कस्टम फीचर्स बनाना प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है। फ्यूचर में मैं कुछ प्रोजेक्ट्स आपको बना के दिखाऊंगा जब ये कोर्स खत्म हो जाएगा, वहां पे आई विल शो यू कि कस्टम फीचर्स कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको एक हल्का सा आइडिया लग गया कि कस्टम फीचर्स क्या होते हैं, क्यों उनकी जरूरत है। अब हम लोग मूव करते हैं इस वीडियो के असाइनमेंट की तरफ। सो गाइज, आपका असाइनमेंट बहुत ही सिंपल है, आपको बेसिकली जो भी चीजें आपने वीडियो में देखी उन सारी चीजों को ट्राई आउट करना है, दैट्स इट, कुछ खास नहीं है। दिस इज द डेटा सेट, इसी डेटा सेट के ऊपर आपको काम करना है, 50,000 मूवीज का रिव्यू है, आपको टोटल मिला के 6 काम करने हैं। पहला प्रॉब्लम आपको ये दिया गया है कि आपको सारे के सारे प्री प्रोसेसिंग टेक्निक लगाने हैं, सबसे पहले तो जो भी आपको लगता है नेसेसरी है, ठीक है, लोअर केसिंग करना, स्टॉप वर्ड रिमूवल एक्सेट्रा, जो भी ये चीजें हैं ये आपको अप्लाई करनी है। फर्स्ट टाइप फर्स्ट प्रॉब्लम ये है। सेकेंड प्रॉब्लम में आपको क्या करना है कि आपको इस पूरे के पूरे डेटा सेट में यू हैव टू फाइंड आउट कि जो पूरा कॉर्पस है उसमें कितने वर्ड्स हैं। ठीक है, सेकेंड आपको पता करना है कि उस पूरे कॉर्पस में टोटल नंबर ऑफ यूनिक वर्ड्स कितने हैं। ठीक है, और ये आपको पाइथन यूज करके करना है, यू कैन नॉट यूज एनी लाइब्रेरी और बिल्ट इन फंक्शंस, मतलब यू कैन यूज बिल्ट इन फंक्शंस लाइक लिस्ट और सेट एक्सेट्रा यूज कर सकते हो आप, बट यू नो साइकिटलर्न यूज करके नहीं करना है ये। ठीक है, सो दिस इज योर सेकेंड प्रॉब्लम। थर्ड इज यू हैव टू अप्लाई वन हॉट इनकोडिंग। अब मैंने आपको वीडियो में वन हॉट इनकोडिंग अप्लाई करना नहीं सिखाया है, सो ये आपको फिगर आउट करना है। अगर आप कोई लाइब्रेरी फंक्शन यूज कर पाओ दैट इज ग्रेट, नहीं कर पाओ तो खुद से कोड लिखने का ट्राई करना, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 4, यू हैव टू अप्लाई बैग ऑफ वर्ड्स एंड फाइंड द वोकैबुलरी एंड ऑल्सो फाइंड कि वोकैबुलरी में जितने भी वर्ड्स हैं वो कितनी बार अकर किए हैं। ठीक है, सिंपल बैग ऑफ वर्ड्स लगा के आपको बस आगे का थोड़ा काम करना है। उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 5 में आपको बैग ऑफ बाइग्राम बनाना है, बैग ऑफ ट्राइग्राम बनाना है, और यू हैव टू फाइंड आउट कि दोनों की वोकैबुलरी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे आप बढ़ते हो आगे वोकैबुलरी का डिमेंशन बढ़ने लग जाता है, तो ये आपको प्रूव करके दिखाना है ऑन दिस डेटा सेट। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज यू हैव टू अप्लाई टीएफ आईडीएफ और आईडीएफ स्कोर्स निकालने हैं, और जो वोकैबुलरी है वो भी प्रिंट कराना है। ठीक है, तो इन शॉर्ट नथिंग स्पेशल, कुछ भी बहुत खास नहीं है, इट्स जस्ट कि अगर आपने वीडियो देखा है और ये असाइनमेंट अगर आप कर लो तो फिर आपका एक पूरा का पूरा लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स द होल आइडिया। आई विल शेयर दिस डॉक्यूमेंट विथ यू, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये मिल जाएगा, यू कैन जस्ट गो एंड यू कैन स्टार्ट योर वर्क। ओके, सो या सो दैट वॉज द वीडियो गाइज, कैसा लगा कमेंट में बताना, कोई प्रॉब्लम हो आप वो भी कमेंट में बता सकते हो, और हमेशा की तरह इट्स अ रिक्वेस्ट कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर देना, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज डू इट। ओके, आई विल कीप ब्रिंगिंग सच स्टफ।
बाकी दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय.